ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. मोहतरमी फ़दीलतुलशै मुख्तार अहमद मदनी हबीदीगर अहिल मेरे महतरमदीनी भाइयों और नौजवान साथियों पिछले तीन दरूस अलरबाउनविया इमाम अवी की जमा की हुई चालीस हदीसें चालीस जाम हदीस हैं इन अहादीस का मताल हमने शुरू किया और आठ हदीसें इस बाब की हमने देखी और वाकई ये हदीसें इल्म के अबवाब हैं हर हदीस में दीन की बहुत सारी चीज़ें समा जाती हैं और दीन के चाहे वो अकीदा हो फ़ हो अखलाक हो मुख्तलिफ़ अब में हर हदीस एक मुस्तिल बाब है जिसमें कई बातें आ जाती हैं ये वो उसूल हैं जिन पर दीन का मदार है इन अहादीस को याद करना इनको सीख लेना इनको समझना दीन के बेहतरीन उसूलों को सीख लेने के मुतरदफ है इससे पहले जो हदीसें हमने देखी वो कुल आठ हदीसें हैं उससे आगे आज हम बढ़ेंगे बाब नौ हदीस नंबर नौ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम के हुक्म और ममानात में फर्माबरदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम जो हुक्म दें उसको मानना और जिससे मना करें उससे रुक जाना अन अबी हो रही रत रदी अल्लाह इब्न सखर رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر रदी अल्लाह तु फरमाते हैं उनसे रिवायत है कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल वसल्लम को यूं फरमाते सुना मा नाही तो मन हूँ फ़श्ता जिस चीज़ से भी मैं तुम्हें मना करूँ उससे रुक जाओ उससे बाज़ आओ वमा माँ अमर तुकुम भी तो मिनहु मस्तौताएँ तुम और जिस चीज़ का भी मैं तुम्हें हुक्म दूँ अपनी ताकत भर उस पर अमल करो उसकी तामील करो फमाक लदी नमिन कबल कम कसरत मसाइल इसलिए कि तुम से पहले जो लोग थे उन्हें सवालों की कसरत ने हलाक किया वख्तिलाफ वह माला और अम्बिया के साथ इख्लाफ करने ने उन्हें हलाक और तबाह किया इस हदीस को इमाम अलबुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है यह हदीस असल है अम्र व नही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को और आपकी ममानात को तस्लीम करना उसकी तामील करना लेकिन मजीद और कई बातें इस हदीस में हैं। सबसे पहली चीज आपने फरमाया जिस चीज से मैं तुम्हें मना करूं उससे रुक जाओ और जिस चीज का हुक्म दूं अपनी इस्तात के मुताबिक उसकी तामील करो उस पर अमल करो ये पहली चीज है जिसमें दो बातें हैं अम्र और नहीं उसके बाद आपने बताया कि पिछले लोग हलाक हुए तो कैसे हलाक हुए उसमें दो बातें आपने बयान की कसरत साल और नबी से इख्तलाफ सवाल की कसरत और अम्बिया से इख्तिलाफ ये चीज़ है जो हलाकत का दरवाज़ा खोलती है एक मुसलमान जो इस बात को जानता है कि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिदा चाहना है अल्लाह की इबादत है अल्लाह हमारा मालिक है हम बंदे हैं हमारी चाहत के मुकाबले में अल्लाह का हुक्म ज़्यादा अहम है दुनिया में हम इम्तहान के लिए हैं एक दिन मौत आने वाली है उसके बाद आखिरत में हमारी इस ज़िंदगी के आमाल का बदला मिलेगा अगर हमने अल्लाह की बात मानी हम कामयाब हैं अगर हमने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी हम नाकाम हैं लेकिन अल्लाह ताला अपना हकम बराह रास्त बंदों को नहीं देता बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से सबसे बेहतरीन सच्चे अमानतदार बाखलाक लोगों को चुनता है उन्हें नबी और रसूल बनाता है फिर उन्हें लोगों के पास भेजता है और अपनी पसंद और नापसंद उन्हें बताता है तो जो इस रसूल की माने उसने अल्लाह की मानी क्यों इसलिए कि रसूल भेजा हुआ होता है पैगाम पहुँचाने वाला होता है पैगाम अल्लाह का होता है उसको रसूल पहुँचाता है लिहाजा जो रसूल की बात ना माने उसने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी और जिसने रसूल की मानी उसने अल्लाह की मानी मयूत रसूल फ़कअल्ला जो रसूल की फरमाबरदारी करें उसने अल्लाह ही की फरमा बरदारी की है तो यहाँ पर यह बात समझना है कि ज़िंदगी में हमारी अपनी चाहत के मुकाबले में अल्लाह के रसूल वसल्लम की तालीमात का लिहाज रखना ये ईमान की ईमान की क़वत और उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है एक आदमी का ईमान ख़राब हो जाता है जब उसकी ज़िंदगी में रसूल अक्रम अलैहि वनवाही के व नवाही के मामले में लापरवाही पैदा होती है क्योंकि हर गुनाह ईमान को नुकसान पहुँचाता है अहलस वजमा का इत है अलईमान यजीद वनकुस ईमान बढ़ता है और घटता है यजीद यजीदबा कसुबिल्मा फरमा बरदारी से बढ़ता है नाफरमानी से घटता है इसीलिए जहन्नम में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके दिल में जर्रा बराबर ईमान होगा जर्रा बराबर हुआ कैसे गुनाहों की वजह से लिहाजा गुनाहों से ईमान कमजोर हो जाता है और नेकियों से ईमान तरक्की करता है मालूम कि रसूल अक्रम सल्लासम की फरमा बरदारी न सिर्फ आपका हुक्म मानना है बल्कि अपने ईमान को तरक्की देना भी है जिस दर्जे वो फरमा होता जाता है ईमान उतना तरक्की करता है उतना आला ईमान उतना ऊंचा ईमान उतना ज़्यादा वजनदार ईमान बनता है लेकिन जितनी नाफरमानी जिंदगी में आती है सिर्फ आमाल नामा खराब नहीं होता है जिसमें हमारे नेकियाँ और गुना लिखें सिर्फ वो खराब नहीं होता है बल्कि हमारा ईमान खराब होता है अगर एक आदमी इस निगाह से इसको देखे तो ठिठर जाए घबरा जाए कि मेरा ईमान गुनाहों से कम होता है मालूम नहीं कम होते होते कितना कम हो जाए और बाज़ बाजात इतना कम हो जाता है कि फिर कुफ्र आसान हो जाता है शैतान आके भड़काता है और आदमी इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है लिहाजा इंसान को अल्लाह के रसूल वसल्लम की फरमाबरदारी करना चाहिए चाहे आपकी बात अकल के खिलाफ हो चाहे आपकी बात चाहत के खिलाफ हो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा नही तो कुमैन जिस चीज़ से भी मैं तुम्हें मना करूँ उससे रुक जाओ वमा माँ बिही तो तुम भी फातु और जिस चीज़ का भी मैं तुम्हें हुक्म दूँ अपनी इस्तात के मुताबिक उसका एहतमाम करो ये दो बातें हैं अमर और नहीं करने का काम करना नहीं करने के काम से बचना आप देखेंगे कि आदम सलाम का इम्तहान पहली चीज में था इबलीस का इम्तहान दूसरी चीज में था आदम सलाम को अल्लाह ने कहा था वाला तरबाह वतिन इस पेड़ के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे यानी अपने आप पर जुल्म करोगे कि जन्नत की इतनी अच्छी जिंदगी से तुमको हटाकर दुनिया की मशक्कत वाली जिंदगी में डाला जाएगा तो तुम अपने आप को राहत से महरूम करोगे अपने ऊपर जुल्म हुआ कि जन्नत से महरूम हुए और मशक्क़त में चले गए तो उनको हुक्म आदमी सलाम को था कि जो अल्लाह ने मना किया है उससे रुक जाओ एबलीस को हुक्म क्या था आदम को सद्दा करो वो अम्र था यूं कर व इदुल्लामला इकतीस जुदोली आदम जब हमने फरिश्तों से कहा सद्दा करो आदम को तो एक अल्लाह ताला का हुक्म है अम्र कि ये करना है और दूसरा है इससे बचना है पूरी जिंदगी इसी इन्हीं दो चीजों के साथ इंसान को जीना है कुछ चीजें करने की हैं कुछ चीजें उनसे बचना है अल्लाह ताला क़ुरान क़रीम में फरमाता है वमा आता कुमर रसूलो फदा फख, नहा कुमान फनता हो जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे मना करें रोक दें उससे रुक जाओ इस आयत से और पिछली हदीस के पहले हिस्से से मालूम होता है माँ जो कुछ इसलिए कि इंसान को इसमें इख्तियार नहीं है रसूल ने दस हुक्म दिए हैं तो पांच मैं लूंगा पांच नहीं लूंगा आदमी ऐसा नहीं कर सकता है बल्कि उसको जो कुछ हुक्म रसूल का है उसको लेना पड़ेगा उस पर ईमान लाना पड़ेगा उसको हक मानना पड़ेगा और जिस चीज से मना किया वहा कुमान हूँ फंता जिस चीज से भी रसूल ने रोका उससे रुक जाओ आदमी इंतखाब नहीं कर सकता है ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन शराब पीऊंगा ठीक है शराब नहीं पीऊंगा लेकिन मैं फला गुनाह का काम करूँगा चोरी करूंगा खयानत करूँगा नहीं रसूल अक्रम हुक्मों को मानना और तमाम मना की हुई चीज़ों से रुकना ये दीन है इसी का नाम है इस्लाम इसी का नाम है इस्लाम कि एक इंसान पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो अल्लाह तआला कुरान करीम में क्या फरमाया व ادखुलू फीस-सिल्मी काफा या इल्ललजीना आमनू ادखुलू फीस-सिल्मी काफा ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ जो हुक्म आया राजी तैयार इन्मा काना कौलुल मुमिनीना इदा दूऊ इल्लाल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम अन यकूलु सअमअना व अताअना ईमान वालों का जुमला उनका कॉल तो यह है कि जब भी उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि उसके दरमियान उनके दरमियान फैसला करें तो कहते हैं कि हमने सुना और हमने माना समय व अताना जो हुक्म दें सुनेंगे मानेंगे जिससे रोकेंगे सुनेंगे मानेंगे वही सलीम तस्लीमा पूरी पूरी तरह मान लेना है दिल में कोई इख्तलाफ नहीं दिल में कोई मुनाजात नहीं तो ये दीन है ये असल है मुसलमान इस बात का मकलफ़ है अल्लाह ताला फरमाता है कुल अति व रसूल फ़िन तवलऊ फ़ा अल्लाहबुल काफ़रीन ए नबी आप कहिए अल्लाह की फ़र्मा बरदारी करो और रसूल की फ़र्मा बरदारी करो फिर ए रसूल अगर ये पीठ फेर के निकल जाए फ़ा तवलऊ तस्लीम न करें कबूल न करें आपके हुक्म को इन ला युहिब्बुल काफ़रीन तो अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता है लिहाजा एक तो यह है कि एक इंसान कल्ब से हुक्म माने उसको तस्लीम करे अमल उस पर ना करे ये गुनागार है दूसरा वो आदमी है जो सिरे से उस हुक्म को तस्लीम ही ना करें और कहे हम नहीं मानते इसको ऐसा आदमी काफिर है ऐसा आदमी काफिर है इससे बात मालूम होती है कि जानते बूझते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इनकार करना कुफ्र है कोई ये नहीं कह सकता हम अल्लाह की माने की रसूल की नहीं जैसे कि एक तबका पैदा हुआ आज भी है मुनक्रीन हदीस जो ये है कहते हैं कि कुरान में जो है वह हम मानेंगे कुरान का हलाल हलाल है कुरान का हराम हराम है रसूल की बात हम नहीं मानते इस हदीस से मालूम होता है और इस कुरान की इस आयत से भी मालूम होता है कि जो कुछ रसूल दें उसे ले लो रसूल ने सिर्फ़ कुरान नहीं दिया रसूल ने इस कुरान की तालीमत की तशरीहात भी दी हैं उनको भी लेना पड़ेगा सिर्फ कुरान का मतन नहीं बल्कि क़ुरान का फहम भी हमको लेना पड़ेगा वमा आता कुम रसूलफोद और आपने फरमाया वमा अमर तो बिही तो मिन तुम जो भी मैं हुक्म दूँ अपनी इस्तात के मुताबिक उसकी तामील करो चाहे वह हुक्म कुरान में हो या ना हो यह जरूरी नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दें वो कुरान में भी होना चाहिए यकीन कुरान में होगा, लेकिन असलन होगा तफसीलन नहीं होगा इसको याद रखें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सारेकाम जमा कर दिए हैं लेकिन उसको समझना ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने समझाया है हम बात उसको नहीं समझ पाते हैं जैसे आप देखें अल्लाह ताला ने तरमायाफा वरवा तमिशा इला जो भी आदमी हज करता है जो भी आदमी उम्र करता है वो अब सही करेगा कहां से शुरू करेगा सफा से शुरू करता है मरवा की तरफ तो अल्ला रब्लम ने कहा इनफ़ा वलमर व तमिनशाला अब उम्र करना है फमन हज जल बई अब तवाफ अभी अब इसकी अमली तमील किस को मालूम है कैसे करना कहाँ से शुरू करें अल्ला अल्लाह के नबी सल ने फ़रमाया अब दबीमा बद अल्ला उबी मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से अल्लाह तुरू किया मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से अल्लाह ने शुरू किया तो आपने सही शुरू की सफ़ा से क्यों अल्लाह ने सफा को पहले जिक्र किया मरवा को बाद में तो ये जो कुरान का फहम ये एक मिसाल है ऐसी कईयों मिसालें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सबसे ज्यादा समझते थे क्यों इसलिए कि अल्लाह की तरफ से आपको समझाया गया था लिहाजा एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि जहाँ कुरान के अहकाम को मानता है वह रसूल अक्रम सला के अहकाम को भी माने उसके लिए ये शर्त नहीं है कि रसूल का हुक्म कुरान में भी हो फ़ायदा क्या वह तो तकरार होगी अगर रसूल का हुक्म कुरान में भी चेक किया जाए कुरान में है तो मानेंगे तो दो अतबार से गलत है एक तो इसलिए कि खुद कुरान में इस तरह की कोई शर्त नहीं है अल्लाह ने नहीं कहा कि रसूल की वो बात मानो जो कुरान में है अल्लाह ने मुस्तकिल हैसियत दी रसूल की बात को कुल अति वर रसूल ए नबी आप कहिए अल्लाह की फरमा बरदारी करो रसूल की फरमा बरदारी करो अल्लाह का हुक्म तो कुरान में है रसूल का हुक्म कहाँ है रसूल का हुक्म कुरान के बाहर है तो कुरान की बात भी माननी पड़ेगी और रसूल वसल्लम की बात भी माननी पड़ेगी ये एक बात दूसरे ये कि कुरान क़रीम में अल्लाह ने फरमाया <us> व माँ आता कुमर रसूल फखुदो व मां नहा कुमान जो कुछ रसूल तुम्हें दे ले लो जिससे भी मना करें उससे रुक जाओ ये नहीं बताया कि जो रसूल तुमको दें अगर वो कुरान में है तो लो जिससे रोकें अगर वो कुरान में मना है तो उससे रुको अल्लाह ताला ने इस तरह से नहीं कहा मालूम के रसूल की बात में तामीम है जायद इल्म है रसूल की बात में जायद इल्म है क़ुरान की तशरी क़ुरान की खबरों की तशरीह और कुरान के अहकाम की अमली तबीक ये दोनों रसूल के कलाम में और रसूल के फैल में है अल्लाह तौर क़रीम में कहा व अकीम उसलात व आत उज़क़ात नमाज कायम करो ज़क़त अदा करो अल्लाह के नबी सल्लासम क्या फरमाए वल्लु कमारोनी वसली नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझको पढ़ता देखते हो तो अल्लाह रबुलामीन ह अहकाम की अमली रसूल के अमल में है और ये बात खुद अल्लाह फरमाई अल्लाह फरमाया लकद कान लकुम फी रसूल अल्ला उस्वतुन हसना तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है अल्लाह तरमाया कुल तुम तो हिब्बुल्ला भी आप कही अगर तुम वाक़ अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इतबा करो अल्लाह भी तुमसे महब्बत करेगा मानवा के रब्बुल आलमीन की मोहब्बत पाने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्र व नहीं का लिहाज़ ज़रूरी है और इसी तरह से आपके अफ़ल की इक्तदा व इतबा ज़रूरी है आपकी बातें और आपका अमल दोनों की अहमियत दीन में है बातों में तीन तरह की चीज़ें हैं ख़बरें हैं और अहकाम हैं अहकाम में दो हैं अम्र है नहीं है और आपका अमल शरीयत की अमली तशरी है कुरान की अमली तशरी है लिहाजा ये लेना ज़रूरी है वमा माँ आता रसूल रसूल ने सिर्फ कुरान नहीं दिया जो कुछ रसूल दें वो सब लेना पड़ेगा हुक्म दें तो लेना पड़ेगा किसी अमल का तरीक़ा दें लेना पड़ेगा कोई ख़बर दें लेना पड़ेगा किसी चीज़ की तहलील व तहरीम आप दें उसको कबूल करना पड़ेगा तो रसूल अक्रम सल्ला वसम का इलम पूरा, पूरा का पूरा कबूल करना ये ज़रूरी है ये कुरान से मालूम होता है तो आपने फरमाया कि जो जिस चीज़ से मैं तुम्हें मना करूँ रुक जाओ और जिस चीज़ का हुक्म दूँ अपनी इसतात के मुताबिक उस पर अमल करो फ तु मिन हो फू मिन हो मस्तौ तुम उस पर अमल करो जितना तुमसे हो सके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है एक और हदीस उन्हीं से है कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल उम्मती जन्नत इल्ला मन अबा। मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा यानी मानना कितना ज़रूरी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना कितना ज़रूरी है आपने फरम मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जिसने इनकार किया इस हदीस को बाद लोग गलत तौर पर समझते हैं और तकफीर तक जाएंगे मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो इनकार करे का रसूल अल्लाबा साबा ने अल्लाह के रसूल इनकार कौन करेगा इब्ने हिब्बान के अल्फाज में इनकार की तोगीई है इनकार रसूल के हुक्म का नहीं जन्नत में जाने का कहा या अल रसो अल्लाजन्न के रसूल जन्नत में जाने से भला कौन इनकार करेगा कि मुझको जन्नत में नहीं जाना है कौन कहेगा قال من दखल अल الجنه ومن असानी فقد अबा जिसने मेरी फरमाबरदारी की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया कि उसने इनकार किया जन्नत में जाने से इनकार किया अपने मकाल से नहीं अपने हाल से अपनी जुबान से नहीं कहा मैं नहीं आना आता जन्नत में बल्कि वो जन्नत वाले रास्ते पर नहीं चल रहा है ये इस बात की अलामत है कि उसको जन्नत में नहीं जाना है जन्नत वाले रास्ते पर नहीं चलना इस बात की अलामत है, है कि वो जन्नत में नहीं जाना चाहता, अपने हाल से बता रहा है कि मुझको जन्नत में नहीं जाना है इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है जो हदीस मैंने ज़िक्र की जो जिस चीज़ से मैं तुम्हें मना करूं उससे रुक जाओ और जिसका हुक्म दूँ अपनी इस्तात के मुताबिक उस पर अमल करो इस हदीस का एक पसे मंजर है उसको समझना ज़रूरी ताकि पूरी बात मज़ीद वाज हो अबू हुरर रदी अल्लाह दूसरे तरीक़ में बताते हैं इसकी तफसील के वाक़ी कब कहा था हमारे नबी सल्ला वम ने कहते हैं ख़तबाना रसूल सल्मा के रसूल वसल्लम ने हमारे दरमियान खुतबा दिया लोगो अल्लाह ताला ने तुम पर हज फर्ज किया है तो हज करो अल्लाह ने फर्ज किया है तो हज करो फ़काल आमिन या रसूल एक आदमी ने कहा मजमे में जो बैठा हुआ था एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल हर साल यानी जो हज फर्ज हुआ है जैसे नमाज हर दिन है जक़़ात हर साल है रोज़े हर साल है तो क्या हज का हुक्म भी हर साल के लिए है अकुल्लामिन या अल्लाह के रसूल क्या हर साल हज है फसकता आप वसल्लम खामोश रहे यहाँ तक कि यह वो ये आदमी बार बार दोहराता रहा तीन बार कहा हर साल है हज हर साल फर्ज है हर साल फर्ज है एक के बाद है कुछ देर के बाद तीन मरतबा इस तरह से पूछ लिया वकाल रसूल सल्लाम लाम लब लमस्तता तुम आपने कहा अगर मैं हाँ बोल देता अगर मैं हाँ बोल देता तो तुम्हारे लिए हर साल हज करना लाजिम हो जाता और तुम नहीं कर पाते तुम नहीं कर पाते। पातेकाली मा तरक्तुकुम आपने फरमाया कि मुझे छोड़े रहो जब तक कि मैं तुम्हें छोड़े रहूं। जरू मा तरक्तु मुझे छोड़े रहो यानी इस तरह की तफसीलात मत पूछा करो जब तक कि मैं खुद ना बताऊं जब तक मैंने तुमको नहीं बताया तुम भी खामखा खा कुरे दो मत व इन न माह बेकफरतम इसलिए कि तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए हैं वो अपने सवालों की कसरत ही से हलाक हुए हैं वख्तिलाफम आला अम्बिया इहम और अपने नबियों से इख्लाफ करने से हलाक हुए हैं फदा अमर तोम भी शे इन फ़ तो मिन तुम लिहाजा जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो अपनी इस्तात के मुताबिक उस पर अमल करो वदा नहाई तो कुमान शे आन शई इन फ़दाऊ और जब किसी चीज से मैं तुम्हें मना करूं उसे छोड़ दो इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताब हज में बयान किया है इस हदीस से उलमा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम को इख्तियार था कि इजतिहाद से हुक्म दें और अगर आप अपने इजतिहाद से भी हुक्म दें तब भी वो उम्मत पर लाजिम हो जाता है चाहे अल्लाह की तरफ से उस पर आयत नाजिल ना हुई हो आपने क्या फरमाया अगर मैं हाँ बोल देता तो तुम पर लाजिम हो जाता है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नहीं कह सकता ये तो इश्तिहाद है हम तो बिल्कुल अल्लाह की तरफ से जो नस आए उसको मानेंगे रसूल का इश्तिहाद हम नहीं तस्लीम करेंगे वो तो इश्तिहाद है नहीं रसूल अक्रम सला व्ल् अल्लाह के हुक्म से अगर कोई बात समझें और हुक्म दे दें जब तक अल्लाह की तरफ से तब्दीली नहीं आती मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उसको माने है ऐसे कई मसाइल में हुआ कि आपने हुक्म दिया और बाद में अल्लाह ने उसको तब्दील किया उम्रे का मसला देखिए, हदेबिया का मामला ख्वाब दिखाया और आपने कहा चलो तो सब चले गए इसी तरह से और कई मामलात हैं जंग के मामलात हैं तो रसूल अक्रम अगर अपने इज्तिहाद से भी कोई हुक्म देते हैं तब भी मुसलमानों के लिए लाजिम है कि वह आपकी बात को माने आपके हुक्म को तस्लीम करें ये नहीं कह सकते कि नहीं तफसी अल्लाह की तरफ से आएगी तब तक हम रुके रहेंगे नहीं रसूल की तामील लाजिम है चाहे वह बरह रास्त अल्लाह की तरफ से आए हुई वही नस हो क़ुरान या फिर रसूल का इश्तहाद हो दोनों का मानना जरूरी है इसलिए आपने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो ऊपर लाजिम हो जाता है तो रसूल की तोी अगर अल्लाह के अमर में हो तो उस अम्र के तहत होती है अगर हुक्म लाजिम है और रसूल ने उसके बारे में तोजीह की तो वो भी लाजिम हो जाता है क्या हर साल है हाँ तो हर साल लाजिम है हर साल हो है। क्या हो जाता अगर आप हाँ बोल देते जिंदगी में एक बार है तब भी, भी मुश्किल होता है लोगों के लिए आप अगर हर साल बोल देते मान मानना पड़ता क्योंकि आपने हुक्म दे दिया मानना पड़ेगा मुसलमानों को लेकिन यहां पर एक और तफसील है वो ये आपने फरमाया जैसे पिछले हुक्म में आपने फरमाया और इसमें भी इस हदीस में भी है फिन मस्तु कि रसूल अक्रम सल्लासम का जो हुक्म होता है वो इस्तात के मुताबिक होता है उस पर हम आगे तफसील से देखेंगे यहाँ पर इस हदीस में आपने कहा कि जब तक मैं तुम्हें छोड़े रहूँ, यानी मैं तुमको उसकी तफस नहीं बताया तस्लीम कर लो कि अल्लाह ने हज फर्ज किया है और हज करो अब हर साल है या नहीं है बताना किसकी जिम्मेदारी है या बल्लेमा रसूल, रसूल आपके रब की तरफ से आपके पास जो भी नाजिल किया गया है उसको पहुंचाइए अगर अल्लाह की तरफ से इसकी तफसील आएगी तो मैं बताऊंगा अल्लाह के नबी वसल्लम पर अगर अल्लाह की तरफ से तफसील आएगी तो आप बताएंगे लेकिन अगर तफसील नहीं आई तो है तो खाम खा को रेदने की जरूरत नहीं है यहाँ यही बात आपने बताई कि इंतजार करो जब तक कि अल्लाह की तरफ से नहीं आता सहूलत अल्लाह ने अगर कोई रखी है तो रहने दो उस सहूलत को कबूल करो ये नहीं कि जल्दी मचाकर उस सहूलत को खत्म करवा लो तो जब बताना होगा आप सल्लाह सल जरूर बताएंगे अल्लाह की तरफ से कोई बात आए जो लोगों को बतानी जरूरी है आप छुपाएंगे नहीं लिहाजा आपने फरमाया जब तक मैंने तुम्हें नहीं बताया है तुम भी खाम खा कुरेद मत करो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रहूं किसी मामले में ढील दूं न बताऊं तफसील हदबंदी तो तुम भी उस वक्त तक के मुझे छोड़े रहो जब बताना होगा मैं बताऊंगा तो यहां पर इस हदीस में इस बात की तरगीब दिया आपने और डांटा भी कि रसूल अक्रम सम से बेमहल सवाल न पूछा जाए जब आपने हुक्म दिया है जितना बताया उस पर अमल करो खा अपनी तरफ से सवाल मत पूछो इसीलिए आपने क्या कहा कि तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए वो क्यों हलाक हुए अपने सवालों की कसरत से और अम्बिया से इख्तलाफ करने की वजह से हलाकत की दो बुनियादें हैं अम्बिया से सवाल की कसरत फी नफ से ही सवाल करना माना नहीं बताया आपने कस ज्यादा सवालात पूछना और फिर सवाल ज्यादा जब होंगे तफसीलात बढ़ जाएंगी हुक्म पेचीदा हो जाएगा नतीजा ये होगा कि अमल नहीं कर पाएंगे तो नबी का हुक्म एक होगा और अमल दूसरा होगा तो नबी से इख्तलाफ होगा तो इस इख्तलाफ के नतीजे में बंदा क्या होगा हलाक होगा वयूषा रसूला वीलमिन तब्लाहत जो रसूल की मुखालिफ जानब इख्तियार करे रसूल यहाँ जा रहे हैं तो कहीं और चला जाए वह अन्नहादा सिराती मुस्तीमन वबला फर कबिकन सबील है रसूल का रास्ता छोड़ना गुमराही है और गुमराही का अंजाम जहन्नम है वह कुल्लू गलाना हर गुमराही का अंजाम जहन्नम है तो इस हदीस में बात बयान की गई कि नबी के हकम की बेजा बे वक्त मत मांगो रसूल को मालूम है कब बताया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के वक्त बराबर बताएंगे तुमको बिला तफसील छोड़ेंगे नहीं इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दूसरी हदीस में एक और पहलू उसका मिलता है जो उस जमाने के साथ खास था कि जिस चीज का हुक्म अब तक आया नहीं है खाम खा उसके बारे में सवाल मत पूछो क्योंकि अल्लाह के जिम्मे हिदायत देना है इन्ना अलैना अलल हिदायत देना किसके ज़िम्मे हैं अल्लाह की जिम्मे और पहुँचाना इनम आल कलबला पहुँचाना नबी आपके जिम्मे है तो अल्लाह को मालूम है कौन सा हुक्म कब नाजिल करना है तो अल्लाह ताला ज़रूर बताएगा जो चीज़ तुम्हारे लिए हराम है जो चीज़ तुम्हारे लिए अल्लाह का हुक्म है जो दीन है और जो गुमराही है अल्लाह बताएगा खाम खा सवालात करके तंगी मुसलमानों के लिए मत पैदा करो ये उस जमाने के लिए था इसीलिए आपने फरमाया इन يحرم इन जुर्मन मन सलाम्रम्रमिन मुसलमानों में सबसे बढ़ के जुर्म उसका है एक चीज हराम नहीं थी उसके पूछने की वजह से हराम हो गई एक चीज हराम नहीं थी आगे जबरदस्ती ना कोई मसला है ना कुछ है बैठे बैठे पूछ लिया ये भी हराम है क्या हाँ हराम है अल्लाह की तरफ से आ गया क्योंकि अल्लाह को हराम करना है हराम कर दिया अल्लाह ने जब तक अल्लाह ताला ने उसमें सहूलत रखी थी गनीमत था इसने वक्त से पहले क्या किया पूछ लिया और जवाब आ गया जवाब आ गया का मतलब क्या हो गया अब वो अब हराम अब अगर उसका इरतकब करता है अब गुनाहगार होगा पहले इरतक करता उसका तो हराम नहीं होने से पहले अगर करता उसको तो गुनाहगार नहीं होता अल्लाह का हुक्म आ जाने के बाद अल्लाह की हरमत आ जाने के बाद अब उस चीज़ का इर्तिकाब, उसमें वाक़ होना उसमें पढ़ना गुनाहगार बनाता है तो आज मुसलमानों में ऐसा आदमी मुजरिम है कि एक चीज़ हराम नहीं थी खाम खा पूछ पूछ के पूछ पूछ के उसके बारे में अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया अब वो हराम हो गई अब दिक्कत पैदा हो गई तो जब अल्लाह को हराम करना होगा अल्लाह बताएगा अब तेरे सवाल के जवाब में आया अल्लाह की तरफ से वही आ गई लो रास्ता बंद तो कहा ये जुर्म है तो इससे भी आपने मना किया कि खाम खा का सवाल पूछ के किसी चीज़ को हराम करवाया जाए इसको इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है तीसरी चीज़ जो कसरत सवाल से जो आपने मना किया तीसरा तरीका जो सवालात की कसरत जो बुरा है वो था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम का मजाक उड़ाने के लिए बाज़ लोग सवाल करते थे मुनाफिकीन इसतज़ा के तौर पर बस यूँ ही मजाक के तौर पर सवाल पूछते थे इबन अब्बास रद्ल फरमाते हैं इब्न अब्बास रद्ल अन्हुमा फरमाते हैं कान न कौम यस अलू न रसूल अल्लाह सज़ा अन बाज़ लोग इसजा के तौर पर मजाक उड़ाने के तौर पर अल्लाह के रसूल वसल्लम से सवाल पूछते थे फैयाक रजुल मन अभी आदमी खड़ा होकर पूछता था मेरा बाप कौन है मेरा बाप कौन है रजुल तदिल नाकत आई नाकती एक आदमी जिसकी ऊँटनी खो गई पूछता था मेरी ऊँटनी कहाँ है मतलब तो ऐसी चीजें जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हर चीज के लिए किससे आगे पूछते थे के रसूल सल्ला और यूँ ही वो जो है मजाक के तौर पर था हर चीज रसूल से पूछना परेशान करना रसूल को और आपका इस्तेज़ा आपका मजाक उड़ाना रसूल इसके लिए नहीं आते हैं कि लोगों को उनकी खोई हुई ऊँटनियां बताएं कहाँ हैं फाजल्ला फीम हाद हिल आया ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की है यादीना आ मनु ला تسألوا عن अन अशया इन अशया आ इन ऐ लोग ऐसी चीजों के बारे में सवाल मत करो कि अगर उनके बारे में वजाहत कर दी जाए तो तुम्हें बुरा लगे मेरा बाप कहाँ है जहन्नम में। मेरा बाप कौन है फलां हैं तो जरूरत नहीं थी जिस चीज को अल्लाह ताला ने पर्दे में रखा था पर्दे में रहता लेकिन इसके पूछने से क्या है? बता दिया अब बुरा लगेगा मैं जन्त में जाऊँगा कि जहन्नम में जहान्नम में, अल्लाह की तरफ से बता दिया तो एक इंसान को जब मालूम हो तकलीफ होगी हद तफर अगर मिन आए थे कुल्ह त आपने पूरी आयत बयान की इसको भी इमाम अलबुखारी ने अपनी सही में रिवाद किया है इससे भी मालूम होता है कि बाज़ लोग नबियों से नबी सल्लाम से सवाल करते थे और ऐसे सवालात करते थे जो आपकी शान के खिलाफ थे कि नबी से ऐसे सवालत नहीं पूछे जाते नबी की शान बहुत ऊँची है तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसायल तुम्हारे आ के ऐसी सवाल पूछेंगे जो तुमको खुद हल करना चाहिए मज़ाक बना दिया रसूल का हर चीज़ पूछ रहे हैं तो ये भी एक चीज़ थी मज़ीद कसरत सवाल भी कि इतने सवाल पूछना कि रसूल सल्ला व राहत आपकी ख़राब हो जाए कि जो आता है सवाल पूछता है आपके लिए आराम में खलल आपके लिए परेशानी आपको थोड़ा भी सांस लेने न दे आदमी पूछता रहे पूछता रहे पूछता रहे छोटी बड़ी हर चीज़ पूछती रहे पूछता रहे यह भी एक चीज़ थी जिससे यहाँ पर मना किया गया अल्लाह अनसर अनसरद कहते हैं मसअला लोगों ने रसूल वसल्लम से इतने सवाल पूछे कि रसूल सल्लाम परेशान हो गए आपको सवालत से तकलीफ़ होने लगी है ये नहीं कि जवाब नहीं दे सकते जवाब तो दे सकते हैं लेकिन इतने सवाल के इंसान को थका दिया जाए रसूल भी इंसान होते हैं उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है उनकी इबादत हैं औला बीवी बच्चों के हकूक़ हैं आराम है सारे मामलात हैं और इतनी परेशान मुनाफ़िक के फ़तने यहूद नसारा के फितने जंगें मुसलमानों के मसाइल हल करना ये सारी चीज़ों में रसूल को राहत नहीं और ऐसे सवाल एक के पीछे एक एक के पीछे एक सवाल सवाल बाजात फजूल सवाल भी जैसे आपने देखा मेरी उठनी कहाँ है तो रसूल सल्ला और इसमें बहुत नाराज़ हुए फदीबा फाइदल मेम्बर गुस्सा हुए अल्लाह के नबीम सुल। सवाल की कसरत से आप गुस्सा हुए हैं और आप मंबर पर खड़े हुए हैं और आपने कहा ला तसअलूनिल ला तसअलूनियल यौम अन शैइन इल्ला बययंतहू लकुम आज जो भी पूछोगे मैं बताऊंगा तुमको पूछो आप क्या पूछना है आप गुस्सा हुए इतने सवाल ठीक आज पूछ जो पूछोगे बताता हूँ मैं ये इस एतबार से नहीं था कि इजाजत या हुक्म हो ये ज़जर के तौर पर था पूछो क्या पूछना है तो नाराजगी का इजहार करके आपने इस तरह से कहा अनस रदी अल्लाह तो फरमाते हैं साहबा समझते थे देखिए साहबा हम जो कहते हैं कि सलफ का मनहज क्यों इसलिए कि साहबा समझते थे अब कोई आदमी कहेगा देखो कोई टुकड़ा ले ले इतना ला तस अलून ला तस अलूम अन शई इन अला बैन तो लकुम आज तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें उसके बारे में वजाहत कर दूंगा तो खुश हो जाएगा माशाल्लाह आज तो जो पूछेंगे वो बताएंगे अल्लाह के रसूल इतना टुकड़ा उसे ये माना लेगा लेकिन सहाबा ने समझा उसको ये दावत नहीं है सवाल पूछने की ये डांट है इसलिए अनस रदी अल्लाह कहते हैं फजायल तो यमीन व शिमला अनस रदील्ला छोटे थे खादी में रसूल बच्चे भी उस जमाने में दीनी मजालस में बैठते थे कहते बैठ के मैंने दाएं बाएं पूरी मस्जिद में देखा मस्जिद में लोगों का जायजा लिया क्या चल रहा मस्जिद के अंदर कहते फरीदा कुल्लो रिन लाफ कहा कि हाल ये था लोगों का कि अपना कपड़ा अपने चेहरे पर डाल के अपने सर पर डाल लिया साहबा ने और रोने लगे हमारा रसूल हमसे नाराज है आप कह रहे पूछो आज जो पूछोगे जवाब दूंगा लेकिन साहबा आपके मिजाज को जानते थे ये जो बात है ये डांट है लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल को समझने के लिए साहबा के फहम की तरफ रजू जरूरी है उन्होंने समझा कि हमारा रसूल नाराज है आज चौदाह सौ साल बाद बैठ के कोई कौल सुन ले रसूल का हम कुछ का कुछ समझ लेंगे उसका आज जो भी पूछोगे बताऊंगा नहीं आज जो भी पूछोगे बताऊंगा ऐसा है वो डांट है उसके अंदर तो कहा कि रोने लगे फ़ाजुल खानदाला युद्ध अबी एक साहब का हाल ये था कि उन्हें जब भी झगड़े आपस में होते लोगों के उसके साथ किसी का झगड़ा हो जाता तो वो यानी उसके बाप की नस्बत किसी और से कर देता तो फलां की औलाद है आर दिलाने के तौर पर फ़ालिया रसोल्ला मन अबी का रसूल मेरा बाप कौन है अब वो समझे कि पूछना है तो पूछो कला खुदापा का तेरा बाप है सोम अंश उमर लेकिन तजर्बाकार ख़तबर रदी अल्लान जो मिजाज रसूल से वाकफ़ थे खड़े हुए वाला रदीन अबिल्ला रबा वबिल इस्लाम दीना वबी मोहम्मदिन सल्ला रसूल नाउन बिल्लाफन का के हम अल्लाह के रसूल हम राजी हैं अल्लाह के रब होने पर इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर हम फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं फितना नहीं चाहते हम लोग नाउद बिल्ला इन्हें हम गुमराह होने से अल्लाह हमको बचाए कि हमारा रसूल हमसे नाराज़ हो गया कहीं अल्लाह हमको फितने में न डाल दे तो खड़े होकर उन्होंने अदब के साथ कहा अल्लाह के रसूल हम राजी हैं ऐसा नहीं कि हम आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपसे राजी नहीं है हम अल्लाह के रब होने पर राजी हैं हम आपके रसूल होने पर राजी हैं इस्लाम हमारा दीन और हम राजी हैं ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा क्योंकि उम्मत की दीन पर रिदा रसूल के लिए खुशी का सबब है तो खड़े होके इस तरह से कार आगे हदीस है इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है तो इन अहादीस से बात मालूम होती है कि कसरत सुल से नबी सल्लास्म को परेशान कर देना यहाँ ये भी मना है ऐसा सवाल पूछना जो बेफायदा सवाल है और रसूल की शान के मुताबिक नहीं है उस पर भी आप नाराज़ हुए वो भी मना है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह की तरफ़ से वजाहत तफसील आने से पहले खाम खवा के बारे में पूछना तो ये भी जो है जिसकी वजह से हराम हो जाए चीज़ें ये भी पसंदीदा चीज नहीं है तो आपने फरमाया पिछले लोग जो हलाक हुए वो अम्बिया से इख्तलाफ करने की वजह से लेकिन इख्तलाफ से पहले क्या कहा कसरत आलि के सवालात की कसरत की वजह से और फिर उसके नतीजे में अंबिया से इख्तलाफ की वजह से वह हलाक हुए सवाल पूछ, पूछ 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 के तफसीत आप देखिए यहूद को क्या किया बनी इसराइल ने इन या मोरक़ार अल्लाह का हुक्म है बकरा करो। कैसी होना चाहिए वो ऐसी ऐसी होना चाहिए इतनी उम्र की हो यूं हो कैसी हो ज़रा और तफसील बताइए ऐसे रंग वाली हो नहीं ज़रा समझ में नहीं आ रहा और तफसल बताइए ज़रा पूछ के अल्लाह तला से ऐसी होना चाहिए तपासिर जब बढ़ती हैं तो ताक़ीद बढ़ जाती है मुश्किल बढ़ जाती है हुक्म और ज़्यादा तंग हो जाता है और जितना मुश्किल होगा करना मुश्किल होगा क्यों खाम खा? जितना हुक्म दे दो कोई भी गाय पकड़ के लाते उसको जबा कर देते मसला खत्म डिटेल बताइए इतनी डिटेल में जाना कि वह अमल मुश्किल हो जाए ये हलाकत का रास्ता इसीलिए क्या कहा फैलून जबा तो किया उन्होंने लेकिन करते दिखाई नहीं देते थे ऐसा हाल था उनका कि ना करेंगे फरार के लिए सवाल पूछना ये भी बना है इतना पूछना इतना पूछना डिटेल कि वो चीज काबिल अमल ही ना रहे वो ऐसी कोई गाय ही ना मिले ऐसी कोई गाय ही ना मिले मसला ही खत्म नहीं मिल रही हमको गाय ऐसी तो ये भी चीज क्या है ये भी चीज ममनू है तो इससे क्या हुए वो हलाक हुए कि ऐसे इस नीयत से सवाल पूछना कि अल्लाह के अमर से फरार हो या इस नीयत से सवाल पूछना कि अल्लाह ताला की मुहर्रमात में से फरार हो अल्लाह के हुक्म करने से बच जाए या अल्लाह की हराम चीज उसके लिए क्या हो जाए आसान हो जाए तो ये भी चीज़ मना है तो कहा कि तुमसे पहले जो लोग थे वो अम्बिया से खूब सवाल पूछने और उनके साथ इख्तलाफ करने की वजह से हलाक हुए सवालत की एक सूरत यह कि मुतालबात करें नबी से मांगना मूसा सलाम से ऐसे ऐसे मुतालबात किए इन अल्लाह अल्लाह को हम बिल्कुल डायरेक्ट देखना चाहते हैं अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं ईसाइयों ने अनजिल समा आसमान से हमको मायदा उतारो एक दस्तरखान उतरे खाना हम देख के हाँ अल्लाह की तरफ से आप रसूल हैं और वाकई पक्के हम हो गए अब इतमान हो गया हमको नहीं ऐसे ऐसे मुतालबात करना आप देखिए मूसा सलाम से कितने मुतालबात किए बन सलवा नाजिल हो रहा है तो उनको दूसरी चीज़ें चाहिए वह हमको चाहिए तो इस तरह के मुतालबात जो हैं ये भी सवाल की शक्ल है कि रसूल को मुतालबात के जरिए से परेशान करना मांगना सला में दोनों दोनों चीज़ें आती हैं पूछना भी आता है और किसी चीज़ को मांगना भी आता है असला वो मांगना ही होता है इसलिए कि जवाब मांग पाए आदमी असल वो मुतालबा है तो ये सारी चीज़ें जो हैं रसूल के बाब में ये चीज़ ममनू है अच्छी चीज़ नहीं है इसलिए आपने फरमाया फा अमर तो कुम फा मा नहाई तुकुमान फ अमर तुम बिही फुम हो कि जिस चीज से तुम्हें मना कर दो रुक जाओ और जिसका हुक्म दे दो अपनी इस्तात के मुताबिक उसको करो यहां दो बातें देखने की है एक ये इस्तात की कैद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूरात में लगाई है जिसका हुक्म दूँ, जो करने के लिए कहूं अपनी इस्तात के मुताबिक करो लेकिन यही बात आपने मना की हुई चीज़ों में नहीं कहा कि जिससे मना करूं अपनी इस्तात के मुताबिक रुको और मा वजह इसकी है कि हुक्म जो आप दें जो मामूरात हैं जिसका अमर है ऐसा करो उसमें हर एक की इस्त अलग होती है नमाज पढ़ो व असल हुक्म अल्लाह का क़याम है नमाज में लेकिन बीमारी की वजह से बुढ़ापे की वजह से कमज़ोरी की वजह से या नाव में गर्क होने की वजह से बहुत मुमकिन है एक इंसान खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके जैसा कि इमरान अबिन हुसैन रदी अल्ला ने आपसे पूछा था उनको बवासीर की बीमारी थी तो कहते मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया सल खा इमन फ़िलम तस्तःदन फ़िलम तस्त फिलज इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है और भी मोहदसी ने इसको रिवायत किया है कहा कि खड़े होकर नमाज पढ़ो अगर ये न कर सको तो बैठ कर और अगर ये भी न कर सको तो लेट कर तो अब देखिए नमाज पढ़ने की इस्त अलग अलग लोगों की अलग अलग होगी बल्कि बाजत किसी अम्र की इस्तात कुलियतन इंसान में नहीं होगी जैसे आदमी बिस्तर पर पड़ा है और हरकत ही नहीं कर सकता है पर लसिस उसको हुआ है माल खूब उसके पास है हज को नहीं जा सकता है तो जब तक उस हाल में है हज उससे साकित है या एक आदमी मालदार ही नहीं बल्कि फकीर है जितना कमाता है ख़र्च हो जाता है उस पर ज़क़ात भी नहीं है क्योंकि उसके पास इतना माल ही नहीं वो मुकल्लफ ही नहीं है ये एक बहुत बड़ी नेमत इस्लाम की है इसको याद रखना चाहिए और जब गैर मुस्लिम के सामने आप पेश करें दीन की बात को ये बताएँ उसको कि इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि उसमें अहकाम में इंसान की रियायत का इंसान के अहवाल का और इस्तात की पूरी रियायत है जो नहीं कर सकता है उसका मुकलफ ही नहीं है हर आदमी सारी चीजें नहीं कर सकता है क्योंकि अल्लाह आलमीन ने दुनिया के निजाम को चलाने के लिए इंसानों को मुख्तलिफ के साथ पैदा किया है कोई आदमी किसी चीज में कम है कोई आदमी बहुत इंटेलिजेंट है कोई सीधा साधा है मेहनती है अगर सब इक्वल होते तो कोई किसी की बात नहीं मानता है कोई किसी के यहां जॉब नहीं करता क्योंकि उसको इसकी जरूरत है उसके पास ये नहीं है इसके पास वो नहीं है तो ये दुनिया में तफावत जो अल्लाह ने रखा है किसी को कम दिया है किसी को ज्यादा और चीजें अल्लाह ने अलग अलग बांटी हैं तो कोई आदमी इसको नाइंसाफी ना समझे अगर सब बराबर होते तो ये मुसीबत हो जाती किसी की गिरी हुई चीज भी कोई उठा के नहीं देता क्योंकि सब इक्वल है सबके पास बराबर पैसा सबके पास बराबर खूबसूरती सबके पास बराबर सेहत सबके पास सब इंटेलिजेंस सब बराबर कोई किसी की मानता नहीं दुनिया कितनी भयानक हो जाती है लेकिन डिपेंडेंसी जो अल्लाह ने रखी है ये इस्तात के कम ज्यादा होने का नतीजा है तो ये अल्लाह की तरफ से खैर है कुछ ना मिलना भी खैर है इसलिए इससे दुनिया का निज़ाम चलता है तो एक चीज़ जो इंफिरादी सतह पर शर दिखाई देती है इज्तमाई सतह पर खैर होती है तो यहाँ पर अल्लाह अल्लाह के नबी सल्ला और अवामिर के बारे में कहा तुम अपनी इस्तात के मुताबिक करो जो तुमसे हो सकता है जितना हो सकता है करो इससे ने इंसान की इस्तात के बकदर वो मुक़ल्लफ़ है उससे जायद अगर कोई चीज है मुकलफ नहीं लेकिन जितनी इस्तात है उसका मुकलफ है जैसे एक आदमी है पानी उसके पास है तो वज़ू और गसल का मुकलफ है पानी अगर नहीं है तो गसल और वजू से साकीत होगा उस वक्त वो तैम करेगा उस वक्त वो क्या करेगा तैम करेगा या लेकिन अगर ऐसा हो मसल एक आदमी के सर में चोट लगी है और वह गसल सर पर से नहीं कर सकता है तो अब क्या करें तो इबन माजा की रिवायत और शेख अलबानी ने भी इससे इस, से इस से करते हुए बताया कि उस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्होंने मार डाला उसको उसके लिए इतना काफी था कि अपना सर छोड़ दें और बाकी बदन पे पानी डाल दे गौसल कर ले तो जितना हिस्सा जैसे जख्म है सर में चोट है उतना हिस्सा छोड़ दें लेकिन बकिया का धोना साकित नहीं होगा क्योंकि उसकी इस्तात है और इसमें दरर का अंदेशा है ऐसे कई अहकाम इस्लाम के हैं तो जितना आदमी कर सकता है उतने का मुकलफ है क्यामत के दिन इसी का मुतालबा होगा किसी को अल्लाह ने अंधा बनाया किसी को बहरा बनाया किसी को गुंगा बनाया किसी को अपाहिज बनाया वो चल नहीं सकता है एक्सीडेंट की वजह से बीमारी की वजह से या पैदाइशी तौर पर अब आदमी इस चीज़ को जुल्म के तौर पर देखे तो जाहिल है अल्लाह आलमीन ने जिसको जिस हाल में रखा है उसका उतना ही इम्तहान है ये नहीं कि सबके बराबर वो कुछ न करके जितना कर सकता था उतना करके वो आला जन्नत ले सकता है क्यों इसलिए कि उसने कोई हुक्म तोड़ा नहीं अगर उसके लिए मुश्किल हैं तो सहूलियात भी हैं अगर उसके लिए मुश्किल हैं तो उसके लिए सहूलतें भी हैं तो ये जो चीज है ये इस्लाम की नामत है कि हर इंसान का अपना एक दायरा है उसमें वो कितनी इस्तात रखता है उसका उतना ही मुतालबा उससे है उतना करके वो जन्नत पा सकता है क्योंकि पूरी दुनिया इक्वल हो सकती नहीं हो सकती है। तो ये जो चीज है ये इस्लाम की नेमतों में से एक नेमत है इसलिए आपने फरमाया कि मैं जिस चीज से अब यहाँ सवाल पैदा होता कि मनहियात में ऐसा क्यों नहीं और मैंने कहा मनहियात में करना क्या है तुझको नहीं करना है तुझको मैं शराब नहीं पीऊंगा जितना हो सके ये क्या मतलब है नहीं पीना है तुझको भाई जाना ही नहीं उधर उठाना ही नहीं जाम उसको हालक तक सारी तेरी इस्तात का क्या तर्क में इस्तेतात का क्या हुआ नहीं करना है जितना हो सकता है मैं बुरी बात नहीं बोलूंगा तो चुप रहना तेरे बस में है ऐसा कोई नहीं दुनिया कोई है आदमी चुप रहना मेरे बस में नहीं है कोई बोलता है ऐसा कि मैं चुप रहना मेरे इख्तियार में नहीं है इख्तियार में है ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपने आप बोल रहा है इख्तियार ही नहीं मेरा कोई कह सकता हाँ मैं नींद में बोलता हूं वहां तो मुकलब ही नहीं है कलम उन तीन लोगों से कलम उठा लिया गया है। लेकिन होश में क्या आदमी चुप नहीं रह सकता है गुनाहों से तो उसमें इस्त का मसला ही नहीं है उसको क्या करना है कि मुमानात की जितनी चीजें हैं उसमें तर्क है बस तो तर्क में तो एनर्जी कुछ वेस्ट ही नहीं होती है <coughs> उसमें कैपेसिटी कहां से आई लिहाजा इसलिए आपने फरमाया जो करने का काम है उसमें इस्तात अलग अलग होगी जो छोड़ने का काम है सब छोड़ सकते हैं उसको कोई नहीं छोड़ सकता ऐसा नहीं है कि उस चीज को इरतका भी उसका नहीं करना है लिहाजा यहां पर आपने फरमाया कि मैं जिससे रोक दूँ उससे रुक जाओ और जिसका हुक्म दो उसको अपनी इस्तात के मुताबिक करो अल्लाह ताला फरमाता में अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताली किसी को किसी ऐसे हुक्म का मुकल्लफ नहीं बनाता जो उसकी इस्तात में ना हो इस आयत को बहुत सारे लोग गलत समझते हैं क्योंकि तर्जमा तकलीफ़ वाला आता तो तकलीफ़ सुनते ही हमको जो है दुनिया की तकलीफ़ समझ में आती है सर दुखना हाथ दुखना पाँव दुखना ठोकर लगना ज़ख्म माशी तंगी तकलीफ़ तो दुनिया की आदमी पड़ता है अल्लाह ताला किसी को वो तकलीफ़ नहीं देता जो उसके बस में ना हो कहते तकलीफ़ मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गई है कैंसर का पेशेंट है एक्सीडेंट है जला हुआ पेशेंट है सोमालिया वगैरह मुल्कों में पानी नहीं पीने के लिए भूख से प्यास से लोग मर रहे हैं तो ये तो तकलीफ़ ज़्यादा है ना कि भूख से मर गया इंसान क्या कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता है इसको तो क्या मतलब है आयत का ये तकलीफ़ शर्यी है मुकल्लफ बनाने का मतलब ये है कि वो जिम्मेदार है कि ये करे अगर न करें तो पकड़ होगी वो मुक़ल्लफ़ है का मतलब यह है कि उससे क़ियामत के दिन उस बारे में मुहासबा होगा लाकल्लीफुल्ला अल्लाह किसी को किसी ऐसे काम की जिम्मेदारी उस पर नहीं डालता है जिसकी उसमें ताकत ना हो आज ताकत है तो आज मुक़ल्लफ़ है हो सकता है शाम तक ताकत ना हो तो मुक़ल्लफ़ नहीं रहेगा तो जैसे ही इंसान की इस्तात में फर्क आता है उसकी तकलीफ शरीर मुकलफ होने में भी फर्क आ जाता है इसीलिए एक आदमी मसलन नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ अब वो बीमार है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी लेकिन ठीक है खड़े होकर पढ़ सकता था नमाज में उसको एहसास हुआ कि मैं चक्कर आके गिर जाऊंगा अगर खड़ा रहा तो अब अब वो नमाज ही की हालत में क्याम में बैठ जाएगा उसकी नमाज में कोई फर्क नहीं आएगा क्यों क्याम उस पर फ़र्ज है लेकिन अब जब उसको दर, गिरने का डर हो गया तो फ़ौर अब वो मुकलफ़ खड़े होने का नहीं रहा अब क्या है वो बैठ जाएगा बैठ के नमाज पढ़ सकता है या मसलन नाव में है खड़े होकर पढ़ रहा था लेकिन डर हुआ कि नाव डोलना शुरू होगी तूफान आ गया अब गिर जाएगा चोट आ जाएगी वो फ़ौर बैठ सकता है नमाज जारी उसी हाल में रख सकता है ये इतना बड़ा क़ायदा शरीयत का है कि आप देखिए कि इंसान की इस्तेद के मुताबिक उसको अमर की तामील करना है कितने इसके तहत आते हैं कि एक इंसान यानी लिबास उसके पास है नहीं है कितना लिबास है कितना ढापना है उसको कौन से इससे ज्यादा मुकदम करेगा जितनी तेरी ताकत है उतना कर जितने अहकाम हैं उसमें जितनी ताकत तेरी है उसके मुताबिक तो कर तो यहां मुराद ये है कि तेरी इस्तेतात जितनी है उतना मुहासबा तेरा होगा जिस चीज की इस्तेतात नहीं थी उस पर मुहासबा भी नहीं होगा जिस चीज की इस्तेतात नहीं थी उसका मुहासबा नहीं होगा उस पर सजा भी नहीं तो जहां कैपेसिटी नहीं है वहां सजा भी नहीं है वहां उससे मुहासबा उसका नहीं है अल्लाह ताला फरमाता है फतखल्लास्त तुम वस्माउ व अति जितना तुमसे हो सके परहेजगारी अपनाओ परहेजगारी इख्तियार करो व स्माऊँ व अति और सुनो और मानो इस आयत से और और दूसरी आयतों से अल्लाह ताला ने और उलमा ने इससे बाज़ मनहियात में भी एक कायदा बयान किया है लेकिन वो फेल नहीं है इजतनाब है इजतनाब में क्या सहूलत है इसको भी समझें मसलन एक इंसान सफ़र में है या बाज खास हालात में खाना उसको नहीं मिल रहा है अब मुर्दार हराम है जो जानवर अपनी मौत मर जाए वह हराम है शरी तरीके से उसको जबाह नहीं किया गया अब यह आदमी ऐसी हालत में पहुंच गया है कि अगर कुछ भी नहीं खाएगा तो मर जाएगा या बहुत गर्र उसको होगा तकलीफ उसको हो रही भूख की शिद्दत है सिर्फ भूख नहीं लगी है एकदम ऐसा है कि उसको दरर होगा उससे ऐसी हालत में वो उस मुर्दार को भी खा सकता है अगर अगरचे असल हुक्म क्या है उसके लिए मुर्दार हराम है लेकिन इस हालत में इस इजरारी हालत में फमनतरबागिन वाला आदिन कि जो मजबूर हो जाए चाहत ख्वाहिश उसकी ना हो शरीत से कुरूज का इरादा भी उसका ना हो तो ऐसी हालत में एक इंसान रगबत वाली हालत में नहीं है न शरीयत की च, हदें फलांगने का उसका इरादा है बकदर हयात अपनी जिंदगी की बका के लिए कुछ मुर्दार खा लेता है तब वो गुनाहार नहीं होगा तब वो गुनाहगार नहीं होगा इसलिए कि इफ्म उससे उठा लिया गया उस वक्त में ताला फरमाता है वक़द फ महरम मतर तुम इलाई अल्लाह ताला ने साफ़ तुमको बता दिया है कि अल्लाह ने तुम पर क्या हराम किया है हाँ मगर वो चीज़ें जिनमें तुम मजबूर कर दिए जाओ तस्वीर बनाना क्या है फोटो बनाना अपना जायज़ नहीं है कागज़ पर कपड़े पर तस्वीरें बनाना जायज़ नहीं है लेकिन दीवार पर भी जायज़ नहीं इस तरह से उसको बनाना जायज़ नहीं है लेकिन एक इंसान है पासपोर्ट उसको बनाना है तो ऐसी सूरत में क्या करेगा उसको मजबूरन तस्वीर बनानी पड़ेगी ऐसे कई अहकाम हैं जिनमें इसतरार की हालत में एक ममनू चीज की भी गुंजाइश उस वक्त पैदा हो जाती है कि वो उसका इरतकब भी करेगा तब भी उसके लिए गुना नहीं रहेगा दोनों में फर्क है एक ये कि एक इंसान उस वक्त में मजबूर कर दिया जाए खारजी अवामिल ऐसे हों या दाखिली अवामिल ऐसे हों जिनकी वजह से वो मजबूर हो जाए कि एक इंसान है मसलन जा रहा है किसी इलाके से लोगों ने पकड़ लिया मुशर्क ने और कहे कि बोलो मैं इस्लाम को नहीं मानता इस्लाम अच्छा दीन नहीं है नौज़बिल्ला अब अगर ये नहीं बोलता है वह कतल कर डालेंगे यकीन है कि मार डालेंगे और अगर बोलता है तो गालिब गुमान है मुस्तकबल तो उसको नहीं मालूम लेकिन गालिब गुमान है कि छोड़ देंगे तो इसमें रुखसत का मामला यह है कि वो ऐसा जुमला जुबान से बोल सकता है ये अल्लाह की तरफ से रुखसत है अजीमत क्या है अजीमत ये कि नहीं बोलता मैं मार डालो जला दो काटो टुकड़े करो कुछ भी बोलो नहीं बोलूंगा मैं तो वो अजीमत है लेकिन इस्लाम में अजीमत वालों के लिए भी हुक्म है और रुखसत वालों लोगों के मिजाज अलग होते हैं कि जो चाहे ये कि नहीं मुझको आला दर्जा चाहिए और मैं गुंजाइश के बावजूद नहीं बोलूंगा उसके लिए वाज़ीमत अजीमत है दूसरा बिलाल रदी अल्लाह तुमको देखिए मार रहे हैं मार रहे चुप नहीं अहद क्या कह रहे हैं अहद लेकिन दूसरे साहब हैं तो उनको अम्मा यासर वगैरह दूसरे साहबाए हैं उनको मार रहे हैं कहा अल्लाह के रसूल वैसे ऐसा हमसे बुलवाते हैं का ऐसा बुलवाते हैं हाँ लेकिन हमारा दिल उस पर राजी नहीं होता है ठीक है जब फिर से बुलवाएं तब भी वही बोलना जैसा वो कहते हैं कुरान में आयत अल्लाह ने नाजिल की तो बाज ममनूआत के सिलसिले में भी इजतरारी हाथ ये नहीं कि आदमी कहेगे अल्लाह ने मना कर दिया बचना ही बचना है उससे तो अब हमारी तंगी हो गई मुश्किल हो गई ऐसी हालत में हम क्या करें तो ऐसी सूरत में इंसान के लिए मजबूरी में वहाँ भी गुंजाइश है लेकिन वो इस्तात का मामला नहीं है कि एक आदमी कहे मेरे से जितना होता मैं हराम से बचूँगा ऐसा कि मतलब आ, मैं शराब पीता हूँ तो आज मैं इन थोड़ी पीऊँगा फिर कल थोड़ी कम करूँगा फिर थोड़ी कम करते करते करूँगा बीड़ी तम्बा छूटती नहीं है तो दिन में चार पाँच मरतबा पाबंदी से खाता हूँ हर नमाज के बाद तो अब क्या करूँगा थोड़ा थोड़ा एक एक नमाज के बाद कम करता जाऊँगा ये तेरे इख्तियार से तू कर रहा है इसमें तू ये तेरे जायज़ नहीं कि तू इस तरह से करे उसमें तर्क है छोड़ देना है फहल अंत छोड़ देना है लेकिन ये कि बाहर से कोई ऐसी मजबूरी हो जाए या कोई और मसला पेश आ जाए उस वक्त में अल्लाह ने जो रुक्सत रखी है वो मशरू है उसको हम कबूल कर सकते हैं दोनों में फ़र्क है इसतरार में फ़र्क है और इस्तात वाले मामले में फ़र्क है तो ये चीज़ जो है याद रखने की है तो इस इस हदीस से हमने ये सीखा और ये बात मालूम हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी वैसा ही है जैसा अल्लाह का हुक्म है यानी क़ुरान के हुक्म में और हदीस के हुक्म में हम तफरीक नहीं कर सकते कि कुरान का हुक्म बड़ा है हदीस का छोटा है अल्लाह ने क्या फरमाया फुलती रसूल ए नबी आप कही अल्लाह की फरमाबरदारी करो रसूल की फरमाबरदारी करो फ़ैन तवलउन अल्लाह इबूलकाफ़रीन तो जो पीठ फेर के निकल जाए तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता है इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह की आयत का इनकार करने वाला अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाला और रसूल की हदीस का और रसूल की रसूल के हुक्म का इनकार करने वाला दोनों बराबर हैं दोनों काफिर हैं तो दोनों में आप तफरीक कैसे कर रहे हैं कुरान में क्या बताया अल्लाह की मानो रसूल की मानो अगर ये पीठ फेर के चले जाते हैं तो अल्लाह की ना माने तो काफिर रसूल की ना माने तो गुनहगार, ये तफरीक ने की नहीं चाहे अल्लाह का इनकार करें अल्लाह की बात का इनकार करें या रसूल की बात का इनकार करें आदमी इस्लाम से निकल जाता है तो दोनों का जो मामला है ये बराबर है अगरचे मस्तर के एतबार से कुरान और सुन्नत दो अलग मस्तर है लेकिन हम ये मानते हैं कि दोनों किसकी तरफ से आए हैं अल्लाह की तरफ से दोनों अल्लाह की तरफ से आए हैं इन अलैना जमा व कुरआन वर्न तुम इन बयान हमारे जिम्मे हैं इस कुरान का जमा कर देना इन अलिना जमा हूँ व कुरआन और इसका पढ़वाना आपसे आपके सीने में कुरान का जमा कर देना और आपकी जुबान मुबारक से इसका पढ़वा देना ये दोनों हमारे ज़िम्मे। हैं फैदा करा नफ तब जब हम पढ़ें इसको कुरान को तो ध्यान से सुनिए फैदा करा नफत तब जब हम पढ़ें तो ध्यान से सुनो इसको और ثم इन अलिन बयान फिर इसका बयान इस इसकी तबीयन इसकी वज़ाहत भी हमारे जिम्मे है तो कुरान का मतन भी अल्लाह की तरफ से है और उसकी तवजी तबीन भी अल्लाह की तरफ से है इन नई ना बयान इसका बयान कर देना वजाहत कर देना बयान के माना क्या है वज़ाहत क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेशन ये हमारे ज़िम्मे अल्लाह ने कहा तो हम ये मानते हैं कि कुरान भी अल्लाह की तरफ से आया है और कुरान का फ़ेम और बयान और तोजी और तबीन भी अल्लाह की तरफ से आई है लिहाज़ा दोनों को मानना ज़रूरी है तो आपने फरमाया हदीस क्या है इस हदीस को अच्छी तरह से हम समझ लें कि आपने फरमाया माँ ना तो कुमान हो फ तनिबू जिससे मैं मना कर दूँ यानी कहा अल्लाह मना कर दे क्या कहा मैं मना करूँ उससे रुको और जिस जिसका हुक्म दे दूँ उससे जितनी इस्तात हो तुम उसका अहतमाम करो आप देखिए कई अहकाम हैं जो कुरान में नहीं है रेशम पहने कि नहीं पहने इस बारे में सरात से नहीं है कई निकाह की कस्में हैं कुरान में वो नहीं है सारी तफासिल जो है ये कहाँ हैं तजारत की कई कस्में हैं सरात से कुरान में नहीं है तो जो भी तफसीत हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको हदीस में और अगर सिर्फ़ कुरान काफ़ी होता तो रसूल को क्यों भेजता अल्लाह ताला हर एक को फरिश्ता आके कॉपी देके चला जाता कुरान के इसको मानना पड़ेगा यह अल्लाह की तरफ़ से आया है। पढ़ो इसको और इसकी फरमाबरदारी करो रसूल भी ज़रूरी है तो रसूल ने जो बताया है अल्लाह ने उसको लाजिम करार दिया इसलिए कहा मैं रसूल फ़कद रसूला अल्लाह जो रसूल की फरमाबरदारी करें उसने अल्लाह ही की फरमाबरदारी की तो यहाँ पर दोनों का मामला बराबर कर दिया अल्लाह ताला ने हुक्म के अतबार से रसूल अल्लाह के बंदे हैं लेकिन रसूल चूँकि अपनी तरफ से नहीं कहते हैं लिहाजा आपकी बात आपकी नहीं है क्या आप बंदे की बात उसको कर दें और उसको कम तर मकाम दें वो अल्लाह ही की बात है अल्लाह ही का हुक्म है तो पहुँचाने वाला उसको नहीं देखा जाता है बात को देखा जाता है कि बंदे हैं कोई कहे जैसे मुनक्रीन हदीस करते हैं अल्लाह बड़ा के रसूल बड़ा तो आदमी कहे अल्लाह बढ़ा तो अल्लाह की बात बड़ी कि रसूल की बात बड़ी कहा अल्लाह की बात बड़ी आप देखिए गलत जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ क्या है रसूल की बात तो अल्लाह ही की तरफ से है रसूल की बात कहाँ से है अल्लाह की तरफ से है दीन के मामला में जो भी आपने कहा वो अल्लाह की तरफ से है और फिर कहेंगे फिर जब रसूल की बात से बढ़ के अल्लाह की बात है तो रसूल की बात कुरान से टकराए तो किसकी मानोगे हाँ कुरान की मानोगे तो छोड़ दो हदीस को ऐसी हर हदीस को छोड़ दो जो कुरान से टकराती है चाहे वो सही हो तो इस तरह से जो लॉजिक है ये गलत है रसूल की बात कुरान की तोज़ी है कुरान के आम में से ख़ास करना अगर ऐसा नहीं करेगा आदमी गुमराह हो जाएगा ऐसा नहीं करेगा रसूल की बात छोड़ के कुरान की बात लेगा आदमी गुमराह हो जाएगा जिसे कुरान क़रीम में अल्लाया कि वन हई तो खरज तवल वजह का शतमस्जिदराम वई तुम कुम फ्लु वजूह कुम शतरा बस कुरान काफी हमारे लिए ठीक है लो अमल करो वो हाई तुम आक तुम फवलुजूह कुम शाह जहां भी तुम हो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ रखो बाजार में हो घर में हो हर वक्त कहाँ रखना चेहरा नहीं नमाज में है बताओ कुरान में कहाँ है कुरान से निकाल के बता दो कि भाई नमाज के बारे में है

चलो आप कुरान के ऊपर कैसे चलेंगे कितने काम है आदमी दीवाना हो जाएगा लिहाजा कुरान की तोीह के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम देखना जरूरी है आपका अमल भी देखना जरूरी है ये बहुत अहम हदीस है इसको याद रखना चाहिए आपने क्या फरमाया जैसे मिसाल कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया औरतों के बारे में अल्लाह ने कहा वयस अलोन कानीब कुलसा अफिल महीब वबून हाँ औरतों के बारे में हैज़ के बारे में पूछते हैं आप बताइए कि हैज़ तकलीफ चीज़ है या एक नापाकी है अदा दोनों एतबार से इस्तेमाल और नापाकी से चूंकि अजियत पहुँचती है फितरत सरीमा को इसलिए उसको अजा अजा कहा गया है गंदगी को भी अजा कहा जाता है तो ये तकलीफ देने वाली चीज है और ये गंदगी है नजात है हैज का खून नापाक है लेकिन हैज पर दूसरे खून को कर सकते नहीं वो खास खून है वो नजस है लेकिन सर से निकलने वाला हाथ से निकलने वाला खून नजस उसकी दलील नहीं है तो कहा आपसे हैज के बारे में लोग पूछते हैं कहिए कि ये नजासत है फिल तो औरतों से दूर हो जाओ हैज की हालत में वला वाला तकरबायत हर और उनके करीबी मत जाना यहां तक कि वो पाक हो जाएं अब ये जो करीब नहीं जाना का मतलब क्या है जैसे गैर मुस्लिम या जैसे यहूदी औरतों से बिल्कुल दूर रहते हैं करीबी नहीं जा रहे छूरे भी नहीं उनको तो क्या इस तरह से औरत घर के कोने में बैठेगी या किसी एक अलग रूम में बैठेगी कि कोई उसके करीब नहीं जाएगा दूर उसके से भी दूर रहेगा तो कुरान में तो कुर्ब के बारे में तफसील नहीं है लेकिन हदीस में हमको मिलता है कि इस नाऊ कुल लश इन इ्ल जिमा इबन माजा की रिवायत है इस नाऊ कुल लश इन इल निका निकाह के माना खुद जिमा के होते हैं कहा तुम बीवी के साथ तमाम चीज़ें बरत सकते हो सिवाय जिमा के मोहब्बत का सलूक उससे कर सकते हो खाना वाना बना रही रोटी है सारी चीजें हैं उसको छूना है उससे महब्बत का इजहार करना है सब चलेगा जिमा नहीं चलेगा तो अब ये हदीस बता रही है कि उस कुर्ब के माना क्या है इसीलिए हत्याशा आप देखिए वो हदीसें समझ में आती है अब क्या अल्लाह के नबी सल्ला वसम के बारे में हत्याशा फरमाती हैं कि मैं हैस की हालत में होती थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रख के कुरान पढ़ते थे वहाँ सिर्फ उनसीयत का मामला नहीं है वो तो है ही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करते थे और हर शौहर को करना भी चाहिए सिर्फ दिल में नहीं वाकई इजहार भी उसका करना चाहिए क्योंकि हदीस में भी है कि इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता है तो उसका इजहार करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर अपनी बीवी के गोद में रख के कुरान पढ़ते थे ये बताने के लिए कि कोई नजासत का मामला नहीं है मैं कुरान पढ़ रहा हूँ इसकी गोद में सर रखे और आप अलैहि अलाम तायश फरमाती मैं हड्डी चूस के देती थी, थी अल्लाह के नबीम को जहाँ से मैंने खाया है वहीं आप अपना अपने होंठ अपना मुंह रख के वहीं से चूसते थे हड्डी मैं पीने का बर्तन उससे पानी पीती और अल्लाह के नबी सल्ह को देती है से मैंने पिया है आप वहीं से पीते क्यों कर रहे हैं आप ऐसा बता रहे हैं उम्मत को कि देखो ये नजस नहीं इसका लुआब नापाक नहीं अगर चीज की हालत में है और मोहब्बत का इजहार वो अपनी जगह है क्योंकि आपका मकाम सिर्फ शोहर का नहीं था आपका मकाम शोहर और उम्मत के लिए उसवा दोनों का था और आपने बेहतरीन तौर पर इसको जमा किया और हत्याशाह रदी की खसूसियत आपकी बात पचास साल तक जिंदा रही हतायशा रदी अल्लाह उनकी उस उम्र में निकाह होने में यह मसलहत भी है कि उम्मत को आधी सेंचुरी तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात घरेलू जिंदगी का मुकम्मल डेटा मिल सके एक शख्स जिंदा शख्स गवाह बाकी रहे जो करीब तरीन शख्सियत है रसूल की जिसकी गोद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम तोड़ा है तो अल्लाह ताला जानता है आदमी बाद एक ही एंगल से एक चीज को देखता है तो सड़ा हुआ दिमाग होता है सड़ी बातें दिमाग में आती हैं लेकिन आदमी अगर सही तरीके से चीज़ों को देखे बहुत सारी चीज़ें उस पर वाज होती हैं आयशा रदी अल्लाह त आपके बाद बाकी रहना इतने सालों ये उसी सूरत में हो सकता था जब उनकी उम्र कम है तो अल्लाह ताला ने ये नेमत आपको और उम्मत को दी याददाश्त ऐसी ज़बरदस्त ऐसी जहीन औरत तो आप देखेंगे कि उस आयत में भी आपको मिलेगा करी मत जाओ रसूल अक्रम सल्ला वसलम बीवी से क़ुरब अख्तियार कर रहे हैं है इसके हालत में इससे मालूम पड़ता है कि कुरान की आयत में जो कुर्ब है उससे मुराद जम है वरना इतने करीब कि एतकाफ़ की हालत में है बीवी है आप अपने कमरे से अपने दरवाजे से सर अपना अपने कमरे में कर रहे हैं और आताइशा गौसल दे रही हैं और कंगी कर रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ज़रूरत आप खुद नहीं कर सकते हैं? कोई आदमी उल्टा भी देख सकते हो सर भी नहीं धो रहे नौज़ बिल्ला बीवी से इतनी खिदमत ले रहे हैं इसीलिए तो शोर इतने ालिम होते हैं नौज़ बिल्ला ये उम्मत को दिखाने के लिए है कि एक तो ये कि बीवी शोहर का इतना करीबी ताल्लुक है।, खुश। है खुशी खुशी हतायशा कभी शिकायत किए खुशी खुशी किए हैं बाद मुस्तकिन को बाद में तकलीफ बाद मुसलमान औरतों की मुसलमान औरतों से ज्यादा तकलीफ होती है क्या ऐसा कर रहे हैं वो तो शिकायत नहीं कर रहे हतायशा ने शिकायत नहीं की मेरा निका इतना जल्दी क्यों किया बल्कि एक मतलब आपने नाराज होके बीवियों से अलाहदा हो गए रोना धोना शुरू हो गया वहां पर और इख्तियार दिया चाहे तो, तो तुम जो मालूमता लेके अलग हो जाओ या रसूल को चुनो क्या चुना उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना तो वो तो खुश हैं ये परेशान हैं इतने निकाह क्यों किए तो ये जो मुसीबत है ये लोगों की मुसीबत है की और गैर मुस्लिमों की है ज्यादा हमदर्दों के हैं कुछ मामला में है बहरहाल तो यहां पर आप देखिए रसूल सल्लल्लाहु सल अल्लाह क्यों किया ऐसा ताकि उम्मत को मालूम पड़े शरीयत के अहकाम उनके सामने आए तो ये पूरी बात इससे मालूम होती है कि ये जो हदीस है बहुत अहम है और इसमें असल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को मानना चाहिए और आपकी ममानात को से बचना चाहिए और बेजा सवाल पूछने से भी इसमें एतराज सिखाया गया है आगे भी उस बारे में बात आएगी कि आदमी बेफायदा चीज़ें जो उसके मतलब की नहीं है ऐसे सवालत पूछे मूस आसलम का जो आशा था वो कौन से पेड़ की लकड़ी थी क्या जरूरत है उसकी तुझको क्या करेगा क्या उसकी जन्नत में जाएगा मालूम होगा तो असहाब कहफ के कुत्ते का नाम क्या था क्या करेगा तू तो? क्या करेगा मतलब जरूरत है इसकी उसके कुत्ते का नाम अगर नहीं मालूम पड़ा तो अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकता मतलब क्या है कुछ मामला रुका हुआ है कुछ लेकिन बाजत लोग ऐसे सवाल के चैम्पियन होते हैं बल्कि बाज किसी दूर की किसी जो है रद्दी किताब में पढ़ लेते हैं किसी झूठी बात को पढ़ लेते हैं और हर मौलवी पे उसको ट्राई करते हैं हर आलिम के ऊपर ट्राई करते हैं और जब आलिम बोलता है हम तो कभी पढ़े नहीं देखो हमने पढ़े उसको इतने बड़े अल्लामा हैं लेकिन उन्होंने उसको पढ़ा नहीं लेकिन हमने उसको पढ़ा उसको इस तिंज के आदाब मालूम नहीं होता है कि सफाई दाएं हाथ से करेगी बाएं हाथ से जो मालूम होने की चीजें हैं वो तो उसको मालूम नहीं है लेकिन जो जरूरी नहीं है दीन में बल्कि गैर जरूरी है उसके पीछे ऐसा आदमी पड़ जाता है तो ये कसरत सवाल जो है बेफायदा सवाल पूछना ये भी एक मुसीबत है और इसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे सवाल पूछ पूछ के आदमी के मिजाज में बस बातें करने का मिजाज बन जाता है अमल का मिजाज नहीं रहता है इसीलिए बहुत सारे लोग जो सवालत के माहिर होते हैं वो अमल के माहिर नहीं होते हैं कि बनी इसराइल की मुसीबत ये थी कि उन्होंने इलमी तहक़ीक पूछना बारीक में बाल की खाल उतारना इसके तो माहिर थे लेकिन अमल के अतबार से कोरे थे अमल के अतबार से कोरे इसको नापसंद किया गया है कि तुम सवाल पूछने के तो माहिर हो नबी से लेकिन अमली तरीके में तुम नबी से इख्तलाफ कर रहे हो तुम्हारी ज़िंदगी अलग है तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है तामील नहीं है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि बाल की खाल निकालो खो दो कुरे द और सवाल पर सवाल सवाल पर सवाल पूछो और बाज़ात लोग पूछते हैं भारिक भारिक सवाल से पूछेंगे लेकिन अमल नहीं अमल का नाम नहीं है तो ये भी चीज जो है दीन में गैर महमूद है तो यह जो पूरी हदीस है ये असल है तामील में रसूल अक्रम की तालीम की तामील जिंदगी में होना चाहिए अपनी इस्तात के बखदर चलिए आगे बढ़ते हैं हदीस नंबर दस और यह भी बहुत अहम हदीस है حلال كماي و قبوليه الدعاء يا قبوليه عمل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى

उनसे रिवायत है कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फरमाया अल्लाह अलाइब है और तयब ही को कबूल करता है अल्लाह पाक हैं और पाक ही सदक़ा पाक ही अमल को कबूल करता है और अल्लाह ताला ने ईमान वालों को उसी चीज़ का हुक्म दिया है जिसका हुक्म उसने रसूलों को दिया लिहाजा अल्लाह तरमाया ए रसूलों तयबात में से खाओ और नेक आमाल करो और अल्लाह ताला ने फरमाया ई मान वालो तयबात में से खाओ जो हमने तुमको बतौर रस्क अता की है पा चीज़ें जो बतौर रिस्क़ हमने तुमको अता की हैं उन्हीं में से खाओ फिर आपने एक शख्स का जिक्र किया जो एक लंबे सफ़र पर है बाल बिखरे हैं गुबार आलूद है दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए हुए हैं और कहता है ऐ मेरे रब मेरे रब लेकिन हाल उसका यह है कि उसका खाना हराम है उसका पीना हराम है उसका लिबास हराम है और हराम ही पर वो परवान चढ़ा है हराम ही से वो गिजा पाकर परवान चढ़ा है फन्ना युस्तजाबुलिदालिक कहाँ से दुआ कबूल होगी उसकी उसकी दुआ कैसे कबूल होगी इमाम मुस्लिम ने उसको रिवायत किया ये है। है हदीस असल हराम से में और हराम के अमाल पर बुरे असर के बाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं आप फरमाते हैं इन अल्लाह तैयब तय्यब पाक और अमदा को कहा जाता है। हदीस में इन अल्लाह जमील अल्लाह जमील है इन अल्लाह महसिन अल्लाह महसिन है एहसान करने वाला अल्लाह ताला तेब है जैसे खुदस अल्लाह के नामों में से है अलमाकुलदूस अल्लाह ताला क्या है हैद्दूस है पाक है हर बुराई से हर ऐब से गंदगी कमजोरी जुल्म हर किस्म की बुराई से अल्लाह ताला पाक है वो कदूस है इन अल्लाह कई है अल्लाह तय्यब है तयब पाक है लाअबल्ला तयब वह तयब ही को कबूल करता है आदमी चाहे अमल हो या सदका हो माल हो अल्लाह तयब ही को कबूल करता है वह तयब कलीमात को कबूल करता है तयब अल्लाह ही की तरफ ऊपर चढ़ते हैं ऊपर जाते हैं पाक कलीमात वालामल वो सौरे और नेक अमल उनको और ऊपर करता है ऊपर चढ़ाता है अल्लाह के हाँ पाक क़लिमात, ईमान का इकरार सच्ची बात खैर की बातें दावत जिक्र तिलावत कई बात को अल्लाह ताला पसंद करता है और कबूल करता है ईमान के इकरार को अल्लाह पसंद करता है कुफर की बात को अल्लाह पसंद नहीं करता है मासीत की बात को अल्लाह पसंद नहीं करता है दिलों के अहवाल में से भी ईमान और यकीन और तवक्ल ख़शियत खुशो महबत अल्लाह के साथ हो इनको अल्लाह कबूल करता है लेकिन निफाकफ्रनाज जिद शक और इसी तरह से वो सारी खुराफात हसद और बुग्ज़ और इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ हैं फी कलूब मर्द ये अमराज दिलों की अहवा अल्लाह उसको पसंद नहीं करता है कबूल नहीं करता है लेकिन दिल के दिल की खैर को अल्लाह कबूल करता है जैसे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अल्लाह सवरिकम व अमवालिकुम वंद को लोबिकुम वमालिकुम अल्लाह ताला नहीं देखता है तुम्हारी सूरतों को तुम्हारे मालों को बल्कि अल्लाह ताला देखता है तुम्हारे दिलों को तुम्हारे अमाल को दिल पाक होना चाहिए दिल में गंदगी नहीं होना चाहिए इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया फलो वाला बनू अन अतल्ला बल बिन सलीम क़्यामत के दिन माल औलाद फ़ायदा नहीं देगी हाँ मगर ये कि इंसान कल्ब सलीम लेकर अल्लाह के पास है ला लाकबल अल्ला तयब वो कल्ब सलीम को कबूल करता है जुबान से खैर के कलिमात आमाल में से खैर वाले आमाल ऐसा अमल कबूल करता है जो इखलास वाला हो और उसमें इतबा हो जो अमल इखलास वाला नहीं क्या होगा रद्द शिरक वाले का अमल रद्द खबीस है क्यों इन अमल मुशरकून नजस मुशरकून क्या है नजस है वो खबीस है अल्लाह को पसंद नहीं है उसका अमल भी मकबूल नहीं लेकिन तयब को अल्लाह ताला कबूल करता है आमाल में से भी अल्लाह ताला तयियब कबूल करता है सदक़ात में से भी अल्लाह तयब को कबूल करता है लायकबल्ला तुकबलूसला तुम बग़ैर तोहर वाला सद का तुम मिन गलूल मुस्लिम की हदीसी अल्लाह के नबी सल्ला फरमाते हैं नमाज कबूल नहीं होती है बेवजू और सदक़ा कबूल नहीं होता है ख़ियात के माल में से गलूल माल गनीमत में से चोरी कर लेना इजाज़त से कबुल उठा लेना तो अल्लाह ताली ऐसा सदक़ा कबूल नहीं करता है कि जो चोरी का हो कि चोरी से आदमी जो है चोरी कर रहा है और लोगों में बांट रहा है अल्लाह कबूल नहीं करता है तो, तो इन अल्लाह तयब लाअबाला तयब अक़ायद में से तयब को कबूल करता है अकवाल में से तयब को कबूल करता है व अमाल में से तयब को कबूल करता है अमवाल में से तयब को कबूल करता है अतःयातल वसलवा तयबात अल्लाह के लिए हैं तयबात खबी सलाह के लिए नहीं है अल्लाह को पसंद नहीं वो मरदूद है वो अमरुना ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म रद्द हो जाएगा अल्लाह की शरीयत में से जो ना खबीस अल्लाह रद्द कर देगा अल्लाह के लिए शिर अशरकता लहबत नगर तुने शिर किया तेरा अमल बर्बाद कर दिया जाएगा वीम ना इलामिल कयामत के दिन उनके अमाल की तरफ़ हम मतवे होंगे तो उसको बिखरी हुई धूल बना के उड़ा देंगे मुशरिकीन के अमाल अहले बिदात के अमाल जिसमें बिदात आओ और मुशरिकीन के सारे अमाल अल्लाह बर्बाद कर देगा कबूल नहीं करता अल्लाह तयब नहीं है वो इसे अपने अमाल को अच्छा बनाना चाहिए इन अल्लाह महसिन उनफ अहसिनों अल्लाह के नबी सल से फरमाते अल्लाह ताली महसिन है वो बंदों के साथ भलाई का मामला करता है एहसान करता है तुम भी एहसान करो तुम भी अपने आमाल को अच्छे से करो तो ये जो चीज़ है एहसान आगे हदीस आएगी उसमें इन तो यहाँ पर ये बताया गया कि अल्लाह ताला कबूल करता है तयब को एक और बात कुरान की आयत से मालूम होती है कि अल्लाह ताली कबूल करता है मतकीन से क्योंकि हदीस का इस आयत से एक रब्स है अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया इन यबकीन अल्लाह ताला तलाकीन से कबूल करता है दिल में तकवा होना चाहिए ने कहा तफसर इसमें यह है एक है कबूल रवा एक है कबूल जजा या इजा अल्लाह तला अमल से जैसे हदीस में आपने सुना कि एक आदमी अगर शराब पीता है चालीस दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती एक आदमी बिदाती है अकबाला सर फन वाला अदला अल्लाह उससे नफल फ़र्ज कुछ कबूल नहीं करेगा तो ने यहाँ पर कहा कि ये जो कबूल है ये कबूल रग़ा के एतबार से कि अल्लाह कबूल नहीं करेगा लेकिन ये मतलब नहीं कि उसको अपनी नमाजें दोहरानी पड़ेंगी नमाज पढ़ेगा फरीजा उससे साक़ित होगा फरीजा अदा हो गया इज़ा है उसमें लेकिन उसमें रिवा अल्लाह की नहीं है कि ऐसा है जो बुरा है ठीक है फर्ज तूने अदा कर दिया अल्लाह कुछ नहीं तुझसे और कहा इससे अमाल का कफारा नहीं होगा अमाल की तवईफ नहीं होगी कबूल नहीं करना ने कहा दो एतबार से एक तो यह कि उसे अदाई ना हो कि आदमी नमाज पढ़ रहा नमाज अदाई नहीं हो रही अगर अदा ना हो तो दोहरानी पड़ेगी जैसे बेवजू नमाज पढ़ लिया दोहरानी पड़ेगी ये मुराद नहीं है कहा अदा तो हो गई फरीजा साकित हो गया उससे लेकिन अल्लाह उससे राजी नहीं एक दो उसके इस उन नेकियों से कफारा नहीं होगा इन अल हसन युद्धिबन सयात गुनाहों को उनका कफारा करती है नातुन हाका फिर सैत को बड़े बड़े गुनाहों से अगर तुम बचोगे छोटे छोटे गुनाओं का हम कफारा कर देंगे तो कफारा इसका नहीं हो रहा है क्यों गुनाहों से नहीं बच रहा है कबैर से नहीं बच रहा है तो कफारा नहीं होगा या आमाल की तरईफ नहीं होगी एक आदमी एक अमल करता है अल्हासन तुब आश्रमसा इला सबीफिन इला अफिन कती ने कि दस गुना सवाब मिलता है दस गुना से सात सौ गुना तक बल्कि उससे और कई गुना ये जो तदईफ है अल्लाह की रदा की वजह से है। तो जो आदमी इस तरह से कोई काम करता है जिसके लिए अदम कबूलियत का जिक्र है तो उसके लिए वो तदयीफ नहीं होती है। जितना है उतना ही हो गया तेरा आधा हो गया आधा वो एक का एक खास तदयफ़ कई गुना नहीं होती अल्लाह हम सबकी हफाजत फरमाए मर जाएगा आदमी ऐसा होगा तो परेशान हो जाएगा आखिरत में तो कहा इन नमा य तकबल्लामुती अल्लाह कबूल करता है मतकीन से यह कबूल रबा है कि अल्लाह राज़ी होता है उससे उसकी नेकियों को बढ़ाता है उसका कफारा करता है उससे खुश होता है उससे राज़ी होता है ये मतकीन के लिए है लेकिन जो गुनाहों में पड़ा हुआ है अल्लाह राज़ी नहीं रहता उससे तो गुनाहों से बचने की बात यहाँ पर है तो इस हदीस में इस बात का बयान है कि एक इंसान का हराम का इरतकब खाने पीने लिबास में उसके आमाल को बर्बाद करता है खसूस उसकी दुआ को बर्बाद करता है इस हदीस से बाज़ बाज़मा ने सदाल किया है कि न सिर्फ़ दुआ बल्कि सारी नेकियों पर उसका असर पड़ता है इबन रज वग़ैरह ने या इसी तरह से आप इब्न मल्क् वगैरह को देखें शुरुआत में उन्होंने जिक्र किया है सारी नैकियों पर असर पड़ता है सारी नेकियां ख़राब होती है उससे तो आदमी को चाहिए कि हराम खाने पीने से बचे वो अंदर जा के इंसान के अमाल को बिगाड़ता है क्योंकि उसी गज़ा से क़वत बन रही है और उससे अमल कर रहा है नहीं कबूल अल्लाह राज़ी नहीं रहेगा उससे इसलिए खाने पीने में बहुत एहतियात करना चाहिए ये कि आदमी वसवसों में पड़े खाम की शख्स करें लेकिन आदमी एहतियात करें हलाल कमाएँ कहा इन अल्लाह तयब लायकबल्ला तय्यब अल्लाह तैयब है और तयब ही को कबूल करता है एक हदीस में आपने फरमाया मन तद का बेअली तिनकस बिन तयबिन जो सदका करें खजूर के बकदर खजूर जितनी कोई चीज हो बे आईनी खजूर हो उतना सदका करे मिनकस बिन तयबिन हलाल कमाई के जरिए से हो जो उसने हलाल कमाई से हासिल किया हो और आपने दरमियान में बात काट के कहा वाला तय याद रखो अल्लाह तय ही को कबूल करता है वह इन तकबलहा बेमीन तो जब हलाल कमाई से आदमी सदका करता है चाहे थोड़ा हो तो अल्लाह ताला अपने दाएं हाथ से उसको कबूल करता है हैयूरबी हिस साहिब ही और फिर उस सदक़े को लेकर जो खजूर के बकद्र हो उसे अल्लाह ताला परवान चढ़ाता है बढ़ाता है यूरबी हा उसको बढ़ाता है कमा यूरबी अहद कुम फुल जैसे तुम में से कोई अपने बछड़े को परवान चढ़ाता है उसको बढ़ा करता है तकु नमिस जबल, यहाँ तक कि वो खजूर के बदद्र चीज़ थी वो पहाड़ के बराबर हो जाती है ये अल्लाह की रहमत है ये उसका फजल है आदल तो ये होना चाहिए जितना है उतना ही लेकिन अल्लाह क्या करता है उसको बढ़ाता है बढ़ाता है बढ़ाता है यहाँ तक कि वो खजूर जैसी नेकी उतना सा अमल पहाड़ जितना बड़ा अल्लाह करके क्यामत के दिन उसको उसका अजर लौटाएगा लेकिन कब वलायबल्ला तयब अल्लाह तयब ही कबूल करता है हराम कबूल करता है नहीं इससे मालूम ही हुआ कि एक इंसान के लिए जायज नहीं कि हराम अगर माल उसके पास कहीं से आ गया हो तो उसको देते वक्त में सवाब की नीयत करें एक इंसान के पास मसलन मजबूरी है बैंक में पैसा रखा अब उस पर सूद आया नहीं बच पाया उससे तो वो जो सूद उसके पास आया है अगर वो कहीं देता है तो उस पर सवाब की नीयत जायज नहीं क्यों इसलिए कि ये सदका शुमार नहीं होगा ये नजात है जैसे आदमी बिल्कुल अपनी बाखाने के लिए जाता है बच गया आज़ाद हो गया ये ये कोई खैर की चीज़ नहीं कि एक आदमी सदका दे रहा है और उस पर सवाब की नीयत करें नहीं क्यों अल्लाह ताला ये नजात पाना है ये अल्लाह ताला के लिए सदक़े करने में नहीं आएगा ये ये और बात है कि गरीब और मिसकीन और परेशान हाल की हमदर्दी करने का सवाब उसको अलग मिलेगा लेकिन ये सदक़ा नहीं है इस पर सदक़े की नीयत करना जायज़ नहीं है तो वला अकबल तय्यब और इस हदीस को इमाम अल बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया तो पहली बात यहाँ मालूम यह हुई कि अल्लाह ताला तयीब कबूल करता है अकवाल अमाल में से चाहे वाहिर हों या बात नहीं हो दूसरी बात आपने यहाँ पर जिक्र की हदीस में कि इन अल्लाह अमर तमरमन बीमा अमर अबीमसलीन अल्लाह ताली ने ममिन को उसी बात का हुक्म दिया जो रसूलों को दिया है इस हदीस से मालूम होता है कि इस मामले में किसी का इसतना नहीं है और ये इतना अजीम उशान हुक्म है कि अल्लाह ताला ने मुस्तकिल रसूलों को दिया अल्लाह ताला ने मुस्तिला ईमान वालों को दिया किसी को इससे छुटकारा नहीं है रसूलों को भी ख़ास तौर से हुक्म दिया गया इस बात का हलाल खाओ यहाँ पर याद रखें कईब के अतबार से या हलाल के एतबार से दो बातें हैं एक चीज़ फी नफसी ही हराम हो जैसे खंजीर का गोश्त कुत्ते का गोश्त उसका खाना जायज़ है नहीं मुर्दार नहीं खा सकते फी नफसी ही हराम है वो मरा हुआ गोश्त है जानवर का गोश्त है हराम है लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि चीज़ हलाल है लेकिन कसब हराम है बकरी है गांव में गया देखा किसी की है चोरी करके लाया ज़बा करके मेहमानों को खिला दिया तो अब बकरी फी नफसी क्या है हलाल है जबा भी बिसमिल्ला वल्ल अकबर कह के किया तो जब का तरीका भी क्या है हलाल बकरी इस्लाम में खाना उसका गोश्त हलाल ज़बह करने से वो हलाल हुई यानी उससे गोश्त उसका हराम तो नहीं रहा लेकिन जिस तरीके से उसने किया वो क्या था चोरी तो चोरी का माल क्या है हराम है तो कभी फी नफसी ही चीज़ हराम होती है और कभी वो हलाल होती है लेकिन कस्ब का तरीका क्या होता है हराम ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं चाहे वो फी नफसी हराम हो तो कोई खंजीर खाने का आदि हो या इस तरह की कोई और चीज़ें खाता हो शराब पीता हो वो खाने पीने में आ रहा है कि इसके पेट में क्या जा रहा है हराम जा रहा है तो फी हराम चीज वो इस्तेमाल कर रहा है या फिर दूसरी सूरत यह है कि चीज तो हलाल है वो तो तिजारत कर रहा है लेकिन तिजारत में लोगों की चोरी करके माल हासिल कर रहा है खयानत से माल हासिल कर रहा है या जुल्मन ग़स्ब करके चीजें हासिल कर रहा है और वो खा रहा है पी रहा इस्तेमाल कर रहा है तो ये चीज क्या है यह हराम है तो दोनों सूरतों में यह हदीस उस पर लागू होती है फरमाया कि अल्लाह ताला ने रसूलों को वही ईमान वालों को वही हुक्म दिया जो रसूलों को दिया रसूलों को क्या हुक्म दिया आपने कुरान की आयत बतौर इस्तलाल पेश की इसमें असल है इस तरह इस बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद दलील देकर बात करते थे अगरचे आपकी बात खुद दलील है लेकिन आप कुरान की आयत से इस्तलाल करते थे अपनी बात की तईद में कुरान की आयत पेश करते थे फ़काल तला या अय्युहर रसूलू कोलो मिना सालिहा, अल्लाह ताला ने रसूलों से खिताब करके कहा ए रसोलो तयब में से खाओ मिन कहा इसलिए कि सारे तयबात खाना जरूरी नहीं है आदमी कहे कुल कोलो अगर कहे कि सारे तयबात खाओ तो आदमी इमकान और कराहत दोनों के हालात में परेशान हो जाएगा पूरी दुनिया घूम के जितनी है सब खा के उसको मरना पड़ेगा भाई मौत आ गई कभी तो ये बात खाने से पहले तो मुश्किल हो जाएगी सब खाना है मुझको तो इम्कान है उसके लिए इस्तात नहीं है उसके अंदर है। वो मुकलफ हो जाएगा कि बाजार में जितना है रोजाना या महीने में या जिंदगी में कम से कम एक बार सब खा ले इसका मुकलफ वो नहीं है मिन तय तबय के लिए है बाज तय में से ही खाओ लिमिट बता दी लेकिन उसको शामिल नहीं है उसको हदबंदी बता दी लेकिन ये कहा पूरे तयबा खाओ तो एक आदमी अगर करेला ना खाए तो कोई मसला नहीं है अगर कोई आदमी कोई हलाल चीज़ है लेकिन नहीं खाता है तो जरूरी नहीं मुसलमान है तो खा अल्लाह ने जिसको हलाल किया है खाना पड़ेगा तुझको जरूरी नहीं है किसी को गोश्त से कराहत होती है एहतन अगर वो नहीं खा रहा है तो गुनाहगार होगा कि ये बुरा है इसमें यानी कोई दीनी खराबी है ऐसा तो फिर ये गुनाहगार होगा इस तरह की कोई चीज़ नहीं इसमें लेकिन एक आदमी डॉक्टर ने किसी खास शुगर से मना कर दिया उसको अब नहीं शक्कर हलाल है तो कैसे उससे बच रहे मुजिर है उसके लिए वो बच रहा है तो कोई मसला नहीं इसलिए मिन जो है अल्लाह ने यहाँ क्या कहा मिनत तयीबा तईब में से ही खाओ तयबात के बाहर मत जाओ सब खाना ज़रूरी नहीं लेकिन इन्हीं में से खाना ज़रूरी है और कभी कोई चीज़ ऐसी हो सकती कराहत हो इंसान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दब खाया गया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे कराहत थी ख़रगोश के बारे में भी एक हदीस में आपने बताया इसको हैजा आता है आपने कहा तो आपने पसंद नहीं किया उसको खाना साहब आप पकड़ते थे पकड़ पकड़ के खाया उन्होंने उसको या इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची प्याज नहीं खाते थे क्यों इसलिए कि उसमें बदबू होती है और आप पसंद नहीं करते थे आपने फरमाया फ़ इन नहीं अक रहो फ़ इन शरतन अक रहो रिहा एक ऐसा पौधा है कि मुझे इसकी बू पसंद नहीं तो कहा कि तयबात में से खाओ और नेकमाल करो नकमाल करो तो यहाँ पर तयबात और नेक अमाल को जोड़ा इसी तरह से ईमान वालों के लिए कहा या कोलो यादीना तयबात में से खाओ जो बतौर रिस्क हमने तुमको दी है तो यहाँ दोनों को अल्लाह ताला ने एक हुम दिया तयबात में सिखाओ तयबात में सिखाओ तयबात में सिखाओ और नेक आमाल करो इसमें इशारा इस तरफ भी है कि इंसान की गज़ा का उसके अमाल पर असर पड़ता है अगर उसकी ग़ा तयब है ज़िंदगी से शादिर होने वाले अमाल साले होंगे लेकिन मत आम और मशरब उसका बिगड़ता है आमाल भी बिगड़ेंगे और उसके अमाल मकबूल नहीं होंगे तो इंसान अगर चाहता है कि अपने अमाल की असलाह करें तो अपने मतान और मशरब और मलबस की रियायत करें कि देखिए उसमें हराम तो नहीं है फिर आपने बताया कि मामला कितना सीरियस है तुम मदा कर रजुल युत सफर अब देखिए कई चीजें यहां पे बयान की है आपने जिक्र किया एक आदमी को एक आदमी का तस्करा किया नंबर एक कितनी चीजें बयान की उसमें देखिए युत सफर नंबर एक क्या है लंबे सफर पर है नंबर दो अशायता अकबर बिखरे बाल गुबार में अटा हुआ जिसको हम कहेंगे बुरे हाल में तीन समा अपने दोनों हाथ फैला के अल्लाह से मांग रहा है चार या रब या रब अल्लाह के नाम रब से जो तरबियत करने वाला है रिज्क देने वाला परवान चढ़ाने वाला रबा बढ़ने को कहते हैं उसी पर से रिबा है उसी पर से रब है परवान चढ़ाना बड़ा करना ऊंचा करना तो रब रब पुकार रहा है तकरार है अल्लाह के इसम की अल्लाह के नाम से पुकार के मांग रहा है लेकिन आपने क्या फरमाया व मत तय हराम व मशरबुहु हो हराम व मलबस हराम खाना हराम पीना हराम पहनना हराम लिबास हराम बिल हराम हराम ही पर वो पला है फ़न्ना युस्तजा बोले दाल कहाँ से दुआ कबूल होगी उसकी इससे मालूम हुआ ये क्यों जिक्र किया उलमा ने कहा यहाँ पर कि कई चीज़ें ऐसी इसमें जिक्र की जिससे दुआ कबूल होती है नंबर एक इतालतुस्सफ़र युतीलुस्सफ़र लंबे सफ़र पर है छोटा भी सफ़र हो तो दुआ कबूल होती है वो तो लंबे सफ़र पे है हदीस में क्या है सलातुद्दावाती मुस्तजाबात ला शक्का फी हिंद दावतुलवाल अला वलदी और बात में ली वलही भी है व व दावतुल مظلوم, तीन दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं लाशकफी हिंद नंबर एक बाप की दुआ बेटे पर बेटे के खिलाफ यानी जिसको हम बद दुआ कहते हैं अला खिलाफ़ के लिए आएगा ले के हक में आएगा दावतलवालिद लि वल ही ऐसी भी हदीस आई है बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करें या उसको बदवा दे दोनों कबूल होती है इसलिए उनका दिल दुखाना नहीं चाहिए उनकी खिदमत करके उनकी दुआ लेना चाहिए आपकी कोशिश से बेहतर उनकी दुआ है दयावलिद अला वाल ही वह दयावलमसाफिर और मुसाफिर की दुआ कबूल होती है वह दयावलमूम और मज़लूम की दुआ कबूल होती है तो इसमें मालूम इस हदीस को इमाम अहमद अबूदाउदी ने रिवायत किया है मालूम मालूमा कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है ये तो आम मुसाफिर नहीं है यू तीन सफर लंबे सफर पर है नंबर दो फिर लिबास बुरे हाल में परागंदा हाल बिखरे बाल गुबार में अटा हुआ है बुरे हाल में है, ऐसे आदमी दुआ कबूल होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल फरमाते हैं बाजे लोग ऐसे भी होते हैं बिखरे बाल हैं और दरवाजों से उन्हें धुतकारा जाता है लेकिन अल्लाह पर कसम खा के कुछ कह दें तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर यानी बुरे हाल में है कोई उनको पहचान रहा नहीं है सीधे साधे लोग बेचारे गरीब आदमी हैं किसी के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं लेकिन उसकी अखलास की वजह से उसके तकवा की वजह से अल्लाह के यहाँ उसका ऐसा मकाम है कि उसके जाहिर को देखे लोग तो धोखा खा रहे हैं लेकिन अल्लाह रब्लम दिलों को देखता है लोग ज़ाहिर हाल को देखते हैं अल्लाह बातिन को देखता है तो अल्लाह के नजदीक उसका इतना अच्छा मकाम है ऊंचा मकाम है कि अगर वो कसम खा के बोल दे ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा अल्लाह उसकी बात की लाज रखेगा तो अल्लाह रबुल आलम उसकी कसम को पूरा करेगा तो अब देखिए बिखरे बाल मदफूम अबाब दरवाजों से धक्के देखिए जाओ भाई यहाँ से कहाँ हमारे घर पर आए तुम उसको अपनी दावत में कोई बुलाता नहीं है आए तो पसंद नहीं करता है फटे पुराने कपड़े बदबूदार कपड़े गरीब आदमी है तो अल्लाह के यहाँ उसकी इतनी कदर है कि अगर वो कसम खा के कुछ बोल दे अल्लाह की कसम खा के कुछ बोल दे तो अल्लाह उसकी बात को बाकी रखेगा झूठा नहीं बनाएगा उसको तो ये भी जो है उसकी बात कबूल करके वही करना जो बोल रहा है जो मांग रहा है वही देना दुआ की कबूलियत है ये मुस्लिम की रिवायत है तीन आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करना हाथों का उठाना दुआ की कबूलीत की अलामत यानी इस्बाब में से है कहा इन अल्लाह तई य करीम अल्लाह ताला बड़ा हया वाला और बहुत सखी है करीम है अल्लाह से हया करता है कि जब उसका बंदा उसकी तरफ दोनों हाथ उठा के उससे कुछ मांगे तो उन दोनों हाथों को खाली हाथ लौटा दे अल्लाह हया करता है तो उसको खाली हाथ लौटाना अल्लाह के लिए हया वाला मामला है तो उसको देता है अल्लाह दुआ कबूल होती है मुसद अहमद अबूदाउदीब ने माजा हाकिम। चार गिड़ गिड़ा के मांगना रब के नाम से मांगना कुरान में आप देखिए आम तौर से दुआएं किस नाम से हैं रबना रबी तौर से दुआ बहुत कम है जिसमें अल्लाह का लफ्ज मिलेगा आपको कुल्लाकल मुल्क अल्लाह फरमाता तरमाता वक़ाल रबी अस्तजीब लकुम तुम्हारे रब का फरमान है मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा या अल्लाह ने फरमा हुस्ना वालसमा अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है बहुत से तो तुम उन नामों से अल्लाह को पुकारो अल्लाह ने अल्लाह के नामों से पुकारने के लिए कहा और कहा तुम पुकारोगे अल्लाह को रब को तो अल्लाह दुआ कबूल करेगा अस्तजीब लकुम तुम रब को पुकारो रब तुम्हारी सुनेगा वादा है अल्लाह का तो ये चार बातें बयान की लेकिन चारों बातें हैं सफ़र लंबा सफ़र बिखरे बाल परागंदा हाल फिर आदमी यानी दोनों हाथ उठा रहा है और रब रब तकरार दुआ में है उसके तो अल्लाह के नाम से पुकार के दुआ कर रहा है लेकिन क्या है खाना हराम वो मताम व हराम वो मलबस वो हराम वो मशरब हो हराम खाना पीना लिबास सब जो है क्या है हराम है हराम की चप्पल भी पहनेगा का तो दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि वो भी मलबस में आता है हराम की अंगूठी भी बना के पहनेगा का सोने की अंगूठी पहन रहा है ये भी हराम है मलबस हराम है उसका दूल्हे को क्या चाहिए इतना तोला हां अंगूठी सोने की अब दूल्हे को दुल्हन वाले पहना पहना रहे हैं पहन के घूम रहा है कहां से कबूल होगी दुआ तो ये हराम खाना हराम पीना हराम पहनना वह गुदिया बिल हराम हराम ही पे है वो मामूल है एक आध दिन की बात नहीं है ऐसा आदमी के हराम उसका मामूल बन चुका है वह तो अन्ना उस बलिदालि कहां से दुआ कबूल होगी उसकी सारी ऐसी चीजें जमा कर ली हैं जिससे दुआ कबूल नहीं होती है फिर उसके बाद इन चीजों को जमा करें जिससे दुआ कबूल होती है नहीं बेस खराब है असल खराब है तो ये जो चीज़ है दुआओं को रद्द करने वाली चीज़ क्या है एक इंसान का हराम माल से खाना पीना पहनना इसका इस्तेमाल करना ये चीज़ें आदमी की दुआ को रद्द कर देती हैं और बाद और ने कहा कि इससे आमाल भी रद्द हो जाते हैं यानी अल्लाह ताला उसके आमाल से राज़ी नहीं होता भले वो कुछ भी करे अल्लाह नाराज़ नाराज़ी है उसके दुनिया में भी आप देखें किसी को आप नाराज़ हैं उसकी नाफ़रमानी आप कर रहे और गिफ्ट ले जा के दे नापसंद करता है वो उसका कोई नुकसान किया आपने उसकी बेज़ती की है और आप इस तरह से कुछ पेश करें वो ले तो लेगा आपका दिल रखने के लिए लेकिन नाराज़ हो आपसे बाकी है नाराजगी अल्लाह ताला इससे आला है कि अल्लाह का हुक्म माना जाए हराम खा रहा है हराम पी रहा है इतना बड़ा हुक्म तोड़ रहा है और छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है और चाहता है कि अल्लाह खुश हो जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों को पूरा करना उसके बड़े हुक्मों का ख़ास लिहाज रखना ज़रूरी है मुहर्रमात से नहीं बच रहा है और मकर हाँ से बच रहा है शराब पी रहा अगर मैं प्याज नहीं खाता हूँ कच्ची ये कौन सा दिन है एक आदमी यानी हराम चीज़ें खा रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं जिसके मुहर्रम नहीं है वो लेकिन कह गहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो को पसंद नहीं थी मैं आशिक रसूल हूं इसलिए कच्ची प्याज नहीं खाता सिगरेट पी रहा है तम्बाकू खा रहा है और भी खुराफा हैं वो कर रहा है और ये एक चीज़ पकड़ के बैठा इसलिए बाज़ जाहिलों में क्या होता है कि फ़रज़ के बारे में कोताही होती है नवाफिल का खास अहतमाम होता है और महरमा के बारे में कोताही होती है लेकिन बाज जुजी चीज़ों का इजतनाब उनकी ज़िंदगी में पाया जाता हम ये नहीं करते हैं तो आप देखिए बहुत सारे फ़ीर कस्म के लोग होते हैं वो गांजा चरस सब पियेंगे और फ़लानी चीज़ नहीं खाएंगे गोश्त नहीं खाते हम लोग हम बाबा के दर के भिकारी हैं इस तरह के लोग हैं तो ये दीन में क्या है खुराफात हैं इस्लाम नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी आज के लिए और इस हदीस में हमको ये बात मिली कि हराम से परहेज़ करना चाहिए आदमी अपने खाने पीने को लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी हर मुसलमान की नाक में दम कर दे कोई आदमी कुछ खिलाया उसको तो कहे अब इफ्तार का वक्त है या कोई और है। कोई कहे लीजिए खजूला हलाल है ना ये मैं बहुत मुतकी हुआ मुझे जानने में नहीं जाना है दुआ कबूल नहीं होगी देखो तुम्हारे ऊपर गुना रहेगा ये चीज़ अच्छी नहीं है एक आदमी मुसलमान है ज़ाहिर उसका अच्छा है अब खाम खा उसका दिल ना तोड़े उससे इस तरह के सवालत करके बताओ ये हराम है कि ये हलाल है कि ये हराम में कहा से कमाए क्या कमाते कितनी पेमेंट है सुद तो नहीं लेते चोरी तो नहीं करते झूठ बोले भाई मत खाओ खाला इतना खर्चा तो ये जो चीज़ है आप सल्लाह और इसमें भी खुद फरमाया एक मुसलमान जब किसी मुसलमान के पास जाए उसके खाने में से खा लें पूछताछ न करें पीने में से पी लें पूछताछ न करें तो एक आदमी को चाहिए कि इस तरह से बहुत मतकी न बने मुतकी का पूरा डिस्प्ले न करें बल्कि वाकई बचे हद तक अपनी हद तक किसी आदमी के अंदर फिर उसको फजूर है हलाल हराम में तमीज़ नहीं करता है तो बचे लेकिन एक आदमी मुतकी है तो उस पर एतबार करें ये असल है अल्लाह ताला इसकी समझ अदा फ़रमाएं और हमको हराम से बचने वाला बनाए अकोल उसको